श्री श्रीनाथ जी की असीम कृपा से वैष्णवाचार्य गोस्वामी 108 श्री यदुनाथ जी महोदय कड़ी अहमदाबाद के अलौकिक सानिध्य में श्री वल्लभ धाम अम्बालाल पार्क ग्राउंड कारेली बाग वडोदरा गुजरात में आयोजित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी विरचित श्री वल्लभ साखी रसपान महोत्सव का विशेष प्रसारण। बधाई 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 वैष्णव हृदय सम्राट 4481-20451 श्री वेद व्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय समुद्धार समृद्ध श्री पुरुषोत्तम वदनानलावतार सर्वान्नाय संचार वैष्णवान्नाय प्राचुर्य प्रकार श्री बिल्व मंगलाचार्य सांप्रदायिकार्पित साम्राज्यासन अखंड भूमंडलाचार्य चक्रचूड़ामणि विद्यावाचस्पति दश दिगंत विजयी श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति पदवाद्य प्रमाण पारावार पारीण भक्ति मार्गाज्य मार्तंड षड्दर्शन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीराजाधिराज शुद्धाद्वैत पुष्टिमार्ग प्रवर्तक आचार्यवर्य जगद्गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्य महाप्रभु विजयते तराम विजयते तराम विजयते तमाम। आ दिव्य मंगल अवसरनो प्रारंभ थाय पूर्वे सौ प्रथम मंगल दीप प्रागट्य संपन्न थशे तो आ समय मंच पर विराजमान पूज्यपाद जगद्गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य वंशावतंस पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री यदुनाथ जी महोदय श्री विराजमान छे। आप श्रीना पुनीत पावल जुगर चरणारविंद मां दंडवत प्रणाम। आपशीने दंडवत प्रणाम साथे मनरोथी परिवार एवं समस्त आ वडोदराना वैष्णववती आपना श्री चरणों में अमे विनंती करिए छे के आप आदिव्य वल्लभ साखी रसपान महोत्सवना पूर्व में दीप प्रागट्य संपन्न करी अने समस्त चेतना ने जागृत करो एवी आपना दिव्य चरणारविंद में दंडवत प्रणाम साथे विनंती छे। पूज्यपाद गोस्वामी 108 सेदुनाथ जी महोदय श्री एवं साथे आ वल्लभ साखी रसपान महोत्सवना मनोरथी परिवार रम्यवदन भाई एवं अजय भाई तेमनो समस्त परिवार तेवो आ मंगल दीप प्रागट्यमा ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्नयासुव ओम शांति शांति शांति। तो एवा आ बरोडाना वैष्णव पर कृपा करवा मनोरथी परिवार पर कृपा करवा आ तारीखो अही माटे निश्चित थई तो आपणे बधा पूज्यशीना श्री मुखे थनार श्री वल्लभ साखी रसपानने तालीनाथथी वधावी लईए अने आवो विशेष कई न कहता पूज्यशीना चरणोमां विनंती करिए पूर्व आवो ए दिव्य क्वचित क्वचित व्रजभाषा क्वचित गुजरातीनी साथे पूज्यशीनी ए मधुर वाणीनो आपणे लाभ लईए पूज्यशीना चरणोमां दंडवत प्रणाम साथे वल्लभ साखी रसपानना प्रथम दिवसे वल्लभ साखीना वचनामृत माटे विनंती करिए सर्वनु
एक स्वर में उच्च स्वरे जयकार घोषित थाय। बोल श्री वल्लभाधीश की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रभुर नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। संतान हन्तारो यत्पादाम्बुजरेण श्रियानान्तनिजाचार्या श्रीमद्वारवती
श्रीमन् मन मदमोहनम् नटवरम् श्रीबालकृष्णम् भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलम् गिरिधरम् गोविन्दरायाभिधम् वल्लभाधीश की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गोपाल लाल प्यारे की जय श्री हरि राय महाप्रभु जी की जय धुन लागी रे वल्लभ वालानी धुन लागी रे धुन आओ से तालियां बजाते बजाते वल्लभ वालानी धुन लागी रे ओ धुन लागी रे वल्लभ वालानी धुन लागी रे धुन लागी रे बजानो आवाज एक साथ है ओ धुन लागी रे धुन लागी रे धुन लागी रे सभी की तालियां लागी रे ओ धुन लागी रे धुन लागी रे धुन लागी रे धुन लागी रे ओ धुन लागी रे जय हो वल्लभ वाला ने धुन लागी रे धुन एक साथ ही बजा वल्लभ वाला ने धुन लागी रे ओ धुन लागी रे धुन लागी रे धुन लागी रे हो धुन लागी रे ओ धुन लागी रे धुन वल्लभ वाला ने धुन लागी रे धुन लागी रे वल्लभ वाला ने धुन लागी रे जागत श्री वल्लभ सोवत श्री वल्लभ सभी गाइए सोवत श्री वल्लभ हा जागत श्री सोवत श्री वल्लभ जागत श्री वल्लभ सोवत श्री वल्लभ जागत श्री वल्लभ सोवत
श्री वल्लभ जगत श्री वल्लभ सुवत श्री वल्लभ धुन लागीरे जय हो वल्लभ वाला नी धुन लागीरे धुन आओ से वल्लभ वाला नी धुन लागी रे धुन लागी वल्लभ वाला नी धुन लागी रे खावत श्री वल्लभ पीवत श्री वल्लभ 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 धुन लागीरे जय हो वल्लभ वाला नी धुन लागीरे धुन वल्लभ वाला नी धुन लागीरे ओ धुन लागीरे धुन लागीरे धुन लागीरे धुन लागीरे ओ धुन लागीरे धुन लागीरे धुन लागीरे धुन लागीरे ओ धुन लागीरे जय हो वल्लभ वाला नी धुन लागीरे लागीरे वल्लभ वाला नी धुन लागीरे ओ धुन लागीरे वल्लभ वाला नी धुन लागीरे वल्लभ वाला नी धुन लागीरे वल्लभ वाला नी धुन लागीरे हाँ वल्लभ वाला नी धुन लागीरे हाँ वल्लभ वाला नी धुन लागीरे ओ धुन लागीरे वल्लभ वाला नी धुन लागीरे लागीरे वल्लभ वाला नी धुन लागीरे बोलिए श्री वल्लभा परम भगवदीय रमीवंद भाई अजय भाई उनका समस्त परिवार जो इस दिव्य उत्सव के अंदर निमित्त बने और जिनके माध्यम से वल्लभ साखी के माध्यम से वल्लभ इस वडोदरा नगरी में सबको मिलने पधारे हैं ऐसे ये मनोरथी परिवार इस दिव्य उत्सव के अंदर उपस्थित सभी मेरे आत्मीयजनों आज से अपनी 7 दिन की ये वल्लभ साखी की यात्रा आगे बढ़ेगी और हम सब मिलके श्री वल्लभ के गुणगान गाते गाते श्री वल्लभ का चिंतन करते करते इस वल्लभ को पाने की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। सभी जानते हैं कि श्री महाप्रभु जी की 5वीं पीढ़ी में पधारे श्री हरिराय महाप्रभु और श्री हरिराय महाप्रभु जी की ये दिव्य रचना वल्लभ साखी कि जिसमें 100 साखियां हैं और इन 100 साखियों के माध्यम से
हम अपने आप को भी जानेंगे, अपने प्रभु को भी जानेंगे और अपने श्री वल्लभ को भी जानेंगे। देखो गुजरात में कथा होती है और जब हिंदी में करते हैं तो गुजरातियों के लिए एक कहावत फेमस है, कह दूं कौन से? आया ना, आया ना, बहुत बढ़िया। कहते हैं कि गुजराती लोगों को हिंदी टीवी सीरियल समझ में आती है, हिंदी फिल्म भी समझ में आती है, लेकिन हिंदी में सत्संग समझ में नहीं आता। ये बात गलत है कि सही है? हाँ, मुझे पता था गलत है, और इसीलिए इस भ्रमणा को तोड़ने के लिए अपन 7 दिन तक चर्चा हिंदी में करेंगे और वडोदरा के वैष्णव के ऊपर पूरा भरोसा है कि उस रस को जानते भी हैं, मानते भी हैं और पाते भी हैं, क्योंकि भाषा तो मात्र एक साधन है। यहां से हरिराय जी ने जो एक एक शब्दों में रस भर भर के वैष्णव के लिए भेजा है वो वैष्णव तक पहुंचाना है, चाहे माध्यम कोई भी क्यों ना हो। और देखो ये वल्लभ साखी यानी क्या, ये वल्लभ साखी यानी एक यात्रा भी है, और इस यात्रा के अंदर आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। कितने स्टेज से? जरा बोलते रहना, मुझे पता चले सुन रहे हो। कितने? 3 स्टेज से। बोले कौन से? सबसे पहले है शेक, दूसरा है ब्रेक और तीसरा है रीमेक। कौन कौन से 3 स्टेज? शेक, ब्रेक एंड रीमेक। ये वल्लभ साखी की कुछ साखियां ऐसी होंगी जो आपको शेक भी करेंगी, आपको हिलाएंगे भी सही, थोड़ा झटका भी लगेगा। और एक वस्तु बड़ी ध्यान से समझना और मुझे कहना, यदि आपके कप में, हाथ में कप है और कप के अंदर कॉफी भरी हुई है और अचानक कोई धक्का मारे तो कप में से बाहर क्या निकलेगा? चाय, दूध, क्या निकलेगा? जरा जोर से बोलो, मुझे सुनाई देवे। कॉफी निकलेगी। बोले क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि यदि कप के अंदर कॉफी भरी हुई है तो जब भी धक्का लगेगा तो कप में से कॉफी ही निकल सकती है, उसमें से चाय के दूध नहीं निकलेगा। तो देखो जीवन में हमें भी जीवन कई बार धक्के देता है, देता है कि नहीं देता है, और जब भी जीवन के अंदर हमें भी धक्के निकलते हैं तो अंदर से उस समय क्या निकलता है? आनंद, उत्साह, प्रेम, या फिर टेंशन, स्ट्रेस, चिंता, क्या निकलता है? जरा भाव से बोलना। और क्योंकि जीवन के अंदर भी झटके हर एक को लगते हैं, जीवन के अंदर धक्के सबको लगते हैं, तो जब जीवन में धक्के लगते हैं तो जीवन में धक्के लगने के बाद हमारे अंदर से क्या निकलता है? आनंद, प्रेम, उत्साह या चिंता, दुख और स्ट्रेस, क्या निकलता है? जीवन में जब धक्के निकलते हैं तो सही सही बोलना, क्या लगता है? चिंताएं निकलती हैं, उद्वेग होता है, स्ट्रेस निकलता है। बोले क्यों? उस समय आनंद क्यों नहीं निकलता, उत्साह प्रेम क्यों नहीं निकलता? तो आप कह दोगे कि यदि कप के अंदर कॉफी भरी है और धक्का लगा तो क्या निकलेगा? कॉफी, उसमें से चाय नहीं निकलेगी। तो जब जीवन के अंदर झटका लगता है, जीवन में जब ये परिस्थितियां हमें शेक कर देती हैं, परिस्थिति हमें बराबर हिला देती है, तो उस समय यदि चिंता, उद्वेग और स्ट्रेस निकले तो मानो ये परिस्थिति ने दिया नहीं है, पूरा जीवन हमने अंदर जो भरा था वही बाहर निकला है। तो ये 7 दिन तक हमें और कुछ नहीं करना, आपके अंदर इतना आनंद भर देना है, इतना उत्साह भर देना है और इतना प्रेम भर देना है कि परिस्थिति जब जब भी आपको हिलाएगी आपके हृदय में से आनंद और प्रेम के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा, और वही तो हमारे जीवन की सार्थकता है। और शेक का एक मतलब यह भी है, जैसे आप रसोई में जाओ और कोई बरनी के अंदर कोई चीज नीचे तक चली गई हो, उसको ऊपर लाना हो तो क्या करना चाहिए? टाटा, क्या करना चाहिए? बरनी को, जार को हिलाते हैं, और जब हिलाते हैं तो अंदर रही वस्तु ऊपर आती है कि नहीं? तो ये वल्लभ साखी आपको कभी कभी थोड़ा शेक भी करेगी। बोले क्यों? क्योंकि देखो आपने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जान के बैठे हो, लेकिन जब समय आता है तब सिर्फ याद आता। बहुत बढ़िया।
तो हमें क्या करना है, ये वल्लभ साखी थोड़ा हिलाएगी, क्योंकि भीतर रही वस्तुएं, भीतर छुपी वस्तुएं सहज रूप से प्रगटने लगे, तो ये वल्लभ साखी शेक भी करेगी, ये वल्लभ साखी ब्रेक भी करेगी, हमारी गलत मान्यता, हमारी गलत धारणाओं को तोड़ेगी, तो शेक भी करेगी, ब्रेक भी करेगी, और एक अच्छे भगवती के रूप में आपका रीमेक भी करेगी। और वही तो वल्लभ साखी की सार्थकता है, जो शेक भी करे, ब्रेक भी करे और रीमेक भी करे। क्योंकि श्री हरिराय महाप्रभु जी कौन है, तो एक भगवती ने कह दिया कि हरिराय जी अपने वहां कौन, तो कहे ढील कारज में नहीं विश्वासी की ढील, ढील कारज में नहीं विश्वासी की ढील, गिरधर के दरबार में हरि राय वकील। देखो जब भी अपना केस ठाकुर जी के सामने जावे, जब भी अपना केस प्रभु के दरबार में जावे, तो हम वैष्णव के तरफ के वकील कौन से, बोले श्री हरिराय महाप्रभु जी। वैष्णव के वकील कौन, श्री हरिराय महाप्रभु जी। मुझे बताओ यदि आपका केस बड़ा सरल हो, बड़ा सरल केस हो, लेकिन वकील कमजोर है, तो जीता हुआ केस भी आप हार जाओगे कि नहीं, हाँ है ना, तो बोलो। और यदि केस कमजोर है लेकिन आपकी तरफ से लड़ने वाला वकील यदि सक्षम हो, तो हारे हुए केस भी जीते जा सकते हैं कि नहीं। तो कहते हैं कि जब प्रभु के दरबार में अपना केस जावे, तो हम वैष्णव के वकील कौन, बोले श्री हरिराय महाप्रभु जी। प्रभु कहे तूने जीवन में क्या किया है, श्री राय जी कहते हैं अपनी तरफ से प्रभु इसने कुछ किया हो कि न किया हो, मैं तो इतना जानू कि जैसे है वैसे आपका है, और यदि आप इसे न संभालोगे तो कौन संभालेगा, जैसा है वैसी आपके शरणों में आया है, और ये आपकी जवाबदारी अब है कि इसको कैसे आप तारोगे। तो श्री राय महाप्रभु जी हमारे वकील भी हैं, और कहते हैं हरिराय जी कौन है, बोले श्री हरिराय महाप्रभु जी हमारे वैद भी हैं। कौन है, बोले तो सही, वैद भी है। बोले वैद की क्या आवश्यकता, तो मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं कि देखो इस कलिकाल के अंदर हम सभी को कोई ना कोई रोग लगा है, और रोगी का लक्षण क्या कि जब मीठी वस्तु उसे कड़वी लगने लगे तब मानो रोग लगा है, होता है कि नहीं। तो कहते हैं ना कि हम सब कोई ना कोई प्रकार के रोगी हैं, पर रोगी भी दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, जरा बोले तो सही, दो प्रकार के। और दो प्रकार के रोगी कौन, एक तो वो कि जो रोगी है और खुद मानता भी है कि मैं रोगी हूं, लेकिन दूसरे प्रकार के रोगी वो जो हैं तो रोगी पर अपने आप को रोगी मानने तैयार। अबे मोटा मां मोटो डॉक्टर आवे पण जे પોતાને માંદુ માનવા તૈયાર ન હોય તો એનું કંઈ કરી શકે, હા કે ના, તો બોલો। तो हम कौन से रोगी हैं, जो हैं तो रोगी पर अपने आप को रोगी मानने को तैयार नहीं, नहीं। तो इसलिए जब श्री हरिराय महाप्रभु जी के पास अपन गए, किसी ने कहा है ना कि हरिराय जी कौन है, बोले वैद हैं, और वैद जब दवा देवे तो कैसे देवे, बोले अपनी नस देख के देवे, कैसे देवे। तो किसी ने सुंदर कहा कि जब हरिराय जी के पास गए तो हरिराय जी ने क्या कहा, बोले नस देखी मेरी बीमार लिख दिया, नस देखी मेरी बीमार लिख दिया, रोग पूछा मेरा तो कृष्ण से प्यार लिख दिया, नस देखी मेरी तो बीमार लिख दिया, रोग पूछा मेरा तो कृष्ण से प्यार लिख दिया, अरे बलिहारी जाऊं उस वैद पे कि जिसने दवा में श्री वल्लभ का नाम लिख दिया। ये 7 दिन हमको श्री हरिराय महाप्रभु जी ने वल्लभ के गुणगान रूपी दवा दी है, और जब ये दवा दी है और इस दवा का अनुपालन करेंगे तभी तो जीवन के अंदर स्वस्थता आएगी। तो आपको लगे ये बीमारी अपने अंदर है, इसका पता कैसे चले, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ रोग ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते, तो वो कौन कौन से रोग हैं? देखो 6 प्रकार के रोग हम सबके मन में लगे हुए हैं, और देखो ये 6 प्रकार कौन कौन से, सबसे पहले कहा राग कालुष्य, और वो राग कालुष्य यानी क्या कि जब मन को जो सुख चाहिए वो सुख न मिले तो दुख होता है कि नहीं होता है, साचे साचे बोल जो, मन को जो सुख चाहिए वो सुख न मिले तो दुख होता है कि नहीं होता है, मन को जो चाहिए और वो न मिले और दुख होता है तो मानो पहला रोग भीतर है, बहुत बढ़िया। दूसरा ईर्ष्या कालुष्य,
औरों की संपत्ति, औरों का सुख, औरों की प्रगति देख के मन में थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या आती है। जब सामने आवे तो प्रशंसा करें और जब जावे तो निंदा करें। ऐसा होता है तो मानना कि दूसरा रोग भी भीतर है। तीसरा रोग परोपकार चिकीर्षा कालुष्य, यानी औरों की निंदा करने का मन मन में होता है तो मानो ये तीसरा रोग भी भीतर है। चौथा असूया कालुष्य, औरों के गुणों के अंदर भी यदि अपन को दोष दिखने लगे तो मानो ये चौथा रोग भी भीतर है। पांचवा द्वेष कालुष्य, बिना कारण किसी से वैर कर लेना, बिना कारण किसी से वैर बांधने का स्वभाव अपना जब हो जावे ना तो मानो कि ये पांचवा दोष भी भीतर है। और छठा दोष अमर्ष कालुष्य, यानी सब मेरा बिगाड़ना चाहते हैं, सब मेरा बुरा करना चाहते हैं, ये भाव अपने मन में आता है तो मानो ये छठा रोग भी भीतर है। तो ये छह रोगों की बात मैंने कही, क्या लगता है छह में से कितने होंगे अपने अंदर? नहीं भले जोर से मत बोलना, छह छह बोल रहे हो सुना मुझे पड़ रहा है लेकिन इसमें से चार से भी अधिक यदि अंदर हो तो सावधान हो जाना कि ये इमरजेंसी केस है और सातों सात दिन सुनने की आवश्यकता है। और इसलिए ये वल्लभ साखी के अंदर अपन प्रवेश करेंगे। ये वल्लभ साखी क्या है, श्री वल्लभ के गुणगान क्यों करने? श्री हमारे दयाराम भाई कहते हैं ना कि जैना ऊपर वाल घणो व्रजपति ने आवे, जैना पर वाल घणो व्रजपति ने आवे, एने वल्लभ नाम ले उड़ावे। देखो हम तो प्रभु को प्रेम करते हैं पता चल जावे, लेकिन प्रभु को भी हमारे ऊपर अब प्रेम बरसाने का मन हुआ है, हमारे ऊपर भी प्रभु को कृपा वृष्टि करने का मन हुआ है, पता कब चले? तब दयाराम भाई कहते हैं कि जब किसी जीव के ऊपर प्रभु को इतना प्रेम आवे, इतना प्रेम आवे कि प्रभु को लगे कि मेरा सर्वस्व इसके ऊपर अर्पण कर दूं, मैं अपना सबसे कीमती कुछ हो मैं इसको दे दूं, और जब किसी जीव के ऊपर अपना सर्वस्व नौछावर करने का मन हमारे प्रभु को होता है तब उसे श्री वल्लभ के गुणगान में लाके बैठा देते हैं। और जब वल्लभ के गुणगान में आके बैठ जाओ तो ये मानना कि देखो प्रभु को हमारे ऊपर बरसने का मन हो गया है। और देखो अभी जन्माष्टमी गई और प्रभु ने मानो हाथ पकड़ के अपना हाथ श्री वल्लभ को सौंप दिया, उससे बड़ी कृपा और क्या हो। देखो जब ये साखी का गान अपन करते हैं तो साखी एक गान का प्रकार तो है ही, जैसे दोहे इत्यादि अपन गाते हैं वैसे गान का प्रकार भी है, लेकिन साखी के आगे आप बे शब्द लगा दो तो अर्थ क्या होता है? बे साखी, यानी जो चल नहीं सकता उसको भी चलावे उसका नाम बे साखी। और भक्ति मार्ग में जो चल नहीं सकते उनको भी लेके प्रभु तक ले जावे वही ये वल्लभ साखी। ये साखी क्या है? सखी रूप से भी होता है, साकी भी अर्थ होता है, और साकी यानी क्या? जो नशा करावे उसको कहते हैं साकी। और हरिराय जी ने भी इसमें प्रभु प्रेम का ऐसा नशा जीव को कराते हैं, ऐसा नशा कराते हैं कि जैसे जैसे आप साकी गाते जाओगे लगेगा कि एक अलग खुमारी अपने आंखों में छा रही है, तब मानो वो साकी के रूप में हो गया। और आगे कहा साकी का एक मतलब होता है साखी, यानी अपना रक्षक। कहते ना अब तो प्रभु हमारे साखी है, तो जो हमारे रक्षक होते हैं उनको भी साखी कहते हैं। तो ये हरिराय महाप्रभु जी की अद्भुत रचना वल्लभ साखी, 100 साखियों के अंदर आपने समग्र पुष्टि मार्ग का, जीव का, प्रभु का, श्री वल्लभ का परिचय अपन को कराया है। तो देखो पहले 5 साखियों का गान हम सब मिलके करेंगे। और पहले ही मैं आपको कह दूं साखियां सुननी नहीं है, पढ़नी नहीं है, पर गानी है। और जब गानी है तो क्या करना पड़ेगा? सबको सुनना है या गाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, तो एक संग मिलके पहले 5 साखियों का गान अपन करेंगे और फिर उसका दर्शन करेंगे। तो सभी भाव से और प्रेम से वल्लभ पद बंधु सदा सरस होत सब ज्ञान,
रसिक रटत आनंद सो रसिक रटत आनंद सो करत सुधा रस पान श्री वल्लभ करत सुधा रस पान जय हो सभी गाइए जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ कर गही के छाड़े सब संसार वल्लभ नाम नौका बिना वल्लभ नाम नौका बिना कहो को उतरो पार श्री वल्लभ कहो को उतरो वल्लभ नाम उच्चार श्री वल्लभ वल्लभ नाम उच्चार श्री वल्लभ वल्लभ नाम उच्चार श्री वल्लभ वल्लभ नाम उच्चार प्रथम साकी के अंदर
श्री हिराय महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि श्री वल्लभ पद बंधु सदा सरस होत सब ज्ञान रसिक रटत आनंद सो करत सुधारस पान। इस प्रथम साखी के द्वारा मंगलाचरण किया और कहा कि मैं उन वल्लभ के चरणों में वंदन करना चाहता हूं कि जिनके चरणों में वंदन करने मात्र से हमारा ज्ञान सरस हो जाता है। अब देखो, जब गुरु सामने हो तब तो वंदन होते हैं, लेकिन यहां हरिराय जी कहते हैं कि वल्लभ पद वंदु सदा, कि हे वल्लभ ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों में मेरे वंदन सदा होते रहे। तो विचार आवे कि गुरु के सामने अपन नित्य तो रह नहीं सकते, तो फिर सदा वंदन अपने कैसे होते रहे? तो हरिराय जी कहते हैं यदि गुरु को मानते हो तो जब सामने हो तब वंदन हो सकते हैं, लेकिन जब गुरु का मानने लगो तो गुरु कहीं भी हो आपके वंदन नित्य गुरु के चरणों में हो रहे हैं। दो वस्तु होती है कि गुरु को मानना और गुरु का मानना, दोनों में उत्तम पक्ष कौन सा है? यदि आप जब भी घर में जाओ और आपके बालक आपको देखते ही आपके चरण स्पर्श करें, आपका पूजन करें, आपकी रोज आरती उतारें, लेकिन आप कुछ भी बोलो कुछ भी माने नहीं, तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ या ना तो बोलो। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? बोले आपको तो मान रहा है लेकिन आप का मान नहीं रहा। वैसे ही गुरु को नित्य वंदन कब किया कहा जाए कि जब गुरु को तो मानते हैं और संग संग गुरु का भी मानते हैं। गुरु का मानते हैं तो फिर अपन गुरु से चाहे हजारों माइल दूर बैठे हों फिर भी हमारे वंदन गुरु के चरणों में नित्य हो रहे हैं, क्योंकि उनके बताए हुए पथ के ऊपर अपन चल रहे हैं। और उनके बताए हुए पथ के ऊपर चलना यानी उनके चरणों में नित्य वंदन करना। और इसलिए तो कह दिया कि गुरु को मानना और गुरु का मानना, ये दोनों में भेद है। और हरिराय जी कहते हैं कि वल्लभ पद वंदु सदा, और सदा वंदन तभी हो सकते हैं कि जब उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर अपन चल रहे हो। देखो, दो वस्तु बड़ी महत्व की होती है, एक है गुरु और दूसरा है गुरु आज्ञा। कितनी वस्तु कही मैंने, कौन कौन सी? गुरु और दूसरा गुरु आज्ञा। ये दो वस्तु पकड़ में आ जावे तो फिर जीव भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से रुक नहीं सकता। लेकिन मैंने कहीं सुना था कि एक सरोवर के अंदर, मान सरोवर के दो हंस रोज हर बार साल में एकाध बार उड़ते उड़ते आते, और उस सरोवर के अंदर एक कछुआ रहता था, और नित्य वो मानसरोवर वाले हंसा के पास बैठते, कछुए से वार्तालाप करते, चर्चा करते। कछुआ पूछता कि आप कहां से आ रहे हो? बोले मानसरोवर से। बोले वहां पे कैसा माहौल है? बोले चारों ओर बर्फ के पर्वत हैं, ऐसी विशाल झील, ऐसा दिव्य माहौल। और वर्णन सुन सुन के कछुए को लगता कि देखो मेरे ऐसे कब भाग्य के मैं भी मानसरोवर के दर्शन करूंगा। लेकिन इराज हंसों से मानसरोवर का वर्णन सुन सुन के इसके मन में भी इच्छा आती कि कभी प्रभु कृपा करें और वो मानसरोवर तक मैं भी पहुंच पाऊं। लगातार 3 साल तक ये हंस वहां आते रहे और उनसे चर्चा करके अब कछुए की अच्छी दोस्ती हो गई। और जहां अच्छी दोस्ती हो गई, और इस बार जब हंस जा रहे थे, कछुए ने कहा कि भाई 3 साल से अपना परिचय है, 3 साल से अपनी अच्छी मित्रता हो गई है, और मेरे मन में बड़ी इच्छा जागी है कि जिस मानसरोवर से आप आ रहे हो क्या उस मानसरोवर का दर्शन आप मुझे भी करा सकते हो? हंस ने विचार किया, अरे भाई तेरी गति ऐसी है कि हम तुझे वहां से यहां बुलावे तो भी तुझे 7 दिन लगते हैं, और यहां से मानसरोवर तू कैसे आ पाएगा? कछुआ कहने लगा, देखो आप मेरे मित्र हो और सज्जनों की मित्रता हो जावे तो असंभव भी संभव हो सकता है, सज्जनों का संग हो जावे तो दुर्लभ भी सुलभ हो सकता है। और देखो मेरे मन में एक ही इच्छा है कि तुम मुझे भी उस मानसरोवर तक ले जाओ। दोनों हंस विचार करने लगे, इससे मित्रता बन गई है, मित्रता निभानी भी पड़ेगी। बोले क्या करें, इसे यहां से मानसरोवर तक कैसे ले जाए?
दोनों ने एक युक्ति करी, दोनों कछुए के पास आए और कहा कि देख भैया, यहां से तुझे मानसरोवर तक ले जाएंगे, लेकिन एक ही उपाय हो सकता है। बोले क्या? देखो, हम दोनों हंस अपने मुख में एक लकड़ी पकड़ेंगे और तुझे उस लकड़ी को बीच में से पकड़ लेना है, और उस लकड़ी को चौंच में पकड़ के हम उड़ते उड़ते जाएंगे, तुझे वो डंडी को मुख से पकड़ते रहना है, लेकिन देख, नीचे देखने का प्रयत्न मत करना। कछुए ने कहा, मुझे क्या पता नीचे क्या आ रहा है, मैं तो पहली बार ये सरोवर को छोड़ के कहीं जाऊंगा, तो मुझे देखने का मन हो तो मैं क्या करूं। हंस ने कहा, देख एक वस्तु कर, जहां भी तुझे इच्छा हो कि क्या नीचे आ रहा है, तू लकड़ी को खींचना, तो मैं लकड़ी को अपने मस्तक पे लेके उड़ूंगा और तुझे वर्णन करूंगा कि नीचे क्या आ रहा है। कछुए ने कहा, यह बात अच्छी है। दोनों हंसों ने अपने चोंच में वो लकड़ी को पकड़ लिया, बीच में से कछुए ने डंडी को पकड़ा, और हंस उड़ते उड़ते जा रहे थे। रास्ते में बहुत गर्मी आने लगी, और जहां गर्मी आने लगी, कछुए ने लकड़ी को खींचा। बोले, हंस समझ गया कि जानना चाहता है कहां से अपन उड़ रहे हैं, तो हंस ने लकड़ी को अपने मस्तक पे रखा और कहा कि देख, अपन वडोदरा से उड़ रहे हैं। और उड़ते उड़ते आगे गए, उड़ते उड़ते आगे गए, और एकदम घने जंगल आने लगे। जहां जंगल आने लगे, सुंदर पुष्पों की सुगंध आने लगी। वापस कछुए ने डंडी खींचा, हंस समझ गए, कहने लगे नीचे जंगल आ रहे हैं। और करते करते जब मानसरोवर की ओर बढ़ने लगे, बड़े बड़े पर्वत आने लगे, बर्फ के पर्वत आने लगे, शीतल शीतल वायु बहने लगी। कछुए को लगा, अब ये कोई जगह अच्छी आई है। उसने फिर से लकड़ी खींची और हंस ने कहा, देख अब चारों ओर सफेद सफेद बर्फ के पर्वत हैं, और ऐसे उसके उन्नत शिखर जब सूरज के किरण पड़ते हैं तो ऐसे सोने की तरह चमक रहे हैं कि मानो सोने के यहाँ पे पर्वत हो। और ये देख के कछुए की इच्छा हो गई कि ये देखने का लाभ मुझे कब मिलेगा, मैं भी एक बार देख लूं। हंस ने बार बार समझाया था कि सिर्फ सुनना, मेरी बात मानना, नीचे मत देखना, लेकिन ये वर्णन सुन के उससे इच्छा हो गई, और जैसे मुख में से डंडी छोड़ के नीचे देखा, सीधा गिरा नीचे। और देखो, ये यात्रा उस कछुए की नहीं, ये यात्रा अपनी सब की है। जब जब भी भक्ति के पथ पे जाते हैं, ये मानसरोवर का हंस यानी कौन, जब जीवन में गुरु मिले तब मानो वो मानसरोवर का हंस हमारे इस छोटे से संसार रूपी सरोवर में हमें मिलने आया है। और यहां मिलके वो अपने लोग की बातें सुनाता है, और अपने लोग की बात सुन सुन के, अपने लोगों की बात सुना सुना के हमारे मन में इच्छा जगाता है कि हम भी वहां जाने का उद्यम करें जहां से हमारा गुरु आया है। लेकिन गुरु कहते हैं कि यदि तुझे मेरे स्थान तक आना है तो ये लकड़ी को पकड़ रखना, और ये दो हंस हैं यानी कौन, एक है गुरु और दूसरा है गुरु आज्ञा। ये गुरु और गुरु आज्ञा रूपी डंडी को पकड़ के रखेंगे तो अपने संसार के छोटे से तालाब से निकल के गुरु के उस मानसरोवर तक अपन पहुंच पाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम उड़ते उड़ते तो जाते हैं, लेकिन नीचे रहे संसार के प्रलोभन में आकृष्ट होके बार बार नीचे देखने का मन होता है, और बार बार ऊपर से आके गिरते हैं। बहुत बढ़िया, सबको पता है। और ये यात्रा इस जन्म की नहीं, ये यात्रा कई जन्मों से चल रही है। इसलिए तो हिराज जी कहते हैं कि वल्लभ पद वंदु सदा सरस होत सब ज्ञान, क्योंकि ये वल्लभ के वो चरणारविंद हैं कि जो चरणारविंद का जीव आश्रय कर ले तो दुर्लभ भी सुलभ हो जाता है। हमारी गति ऐसी नहीं है कि हम प्रभु तक जा पाए। मैं कई बार अपने प्रवचनों में विनोद में पूछता हूं, एक छोटी सी कीड़ी हो, चींटी हो, बराबर, एक कीड़ी हो, कीड़ी को यहां से लेके और हाईवे तक जाना हो तो कितना टाइम लगेगा? हाँ, कितना टाइम? एक छोटी सी चींटी को, कीड़ी को यहां से निकल के और बाहर हाईवे तक जाना हो, अहमदाबाद हाईवे पे, तो कितना टाइम लगेगा? कितना? 10? कितना अंदाज से? हाँ, पहुंच नहीं पाएगी। यहां से हाईवे तक जाना हो तो भी लोगों को डाउट है कि पहुंच नहीं पाएगी, और यदि उसी कीड़ी को यहां से मुंबई तक जाना हो तो जा पाएगी, और यदि जाना हो चलती चलती जाएगी तो कितने समय में पहुंचेगी?
हाँ तेरा जवाब देना पता चले कितने टाइम में पहुंचेगी। हाँ कितना? हजारों साल। यहां से उसी कीड़ी को यदि अमेरिका जाना हो तो सोच भी सकती है? नहीं। अपन सोचे कि यहां से यदि मुंबई जाना हो तो भी लगे हजारों साल बीत जाए तो भी पहुंच न पावे, लेकिन यदि यहां से कोई व्यक्ति अमेरिका जा रहा हो और उसके पैरों में वो चींटी चढ़ जावे तो वही चींटी 17-18 घंटे में अमेरिका नहीं पहुंच सकती? पहुंच सकती। तो उसी प्रकार हमारी इतनी योग्यता नहीं कि हमारी इतनी गति नहीं कि यहां से प्रभु तक पहुंच पावे, लेकिन श्री वल्लभ के चरणों का आश्रय कर लेवे तो हमारे जैसे साधारण चींटी जैसे जीव भी प्रभु के चरणों तक पहुंच जावे, और उससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है। छोटा सा बच्चा हो, सीढ़ी चढ़ना चाहता हो लेकिन सीढ़ी चढ़ न पावे, वहीं उसके पिता आवे उसे उठा के सीधे ऊपर रख देवे, वैसे ही वल्लभ का आश्रय हो जावे तो वो जीव सहज रूप से प्रभु के चरणों तक पहुंच जावे। वही बात अहिराज जी कह रहे हैं कि श्री वल्लभ पद वंदू सदा सरस होत सब ज्ञान। ये वो वल्लभ के चरणारविंद हैं कि जिनमें वंदन करते ही हमारा ज्ञान सरस हो जाता है, और सरस हो जाता है यानी जो भी जीवन में हो रहा है, जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो विचलित इसलिए करती हैं कि हमें प्रभु की लीला नहीं दिखती, लेकिन जब प्रभु की लीला रूप से दिखने लगे तब मानो वो ज्ञान सरस हुआ। और रसिक रटत आनंद सो करत सुधार सपान। और वही वस्तु हिराय महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इसी वल्लभ के चरणों का आश्रय करके, यही वल्लभ के चरणों का नित्य वंदन करके, और नित्य वंदन कब किया जाए कि सदा उनके चरणों का आश्रय, सदा उनके रह के उनके होके रहने का मन हो तो मानो उनके चरणों में नित्य वंदन हो रहा है। ये बात प्रथम साखी के अंदर मंगलाचरण के रूप से करी, और आगे दूसरी साखी का गान हम सब मिलके करेंगे जिसमें हिराय महाप्रभु जी कह रहे हैं बद्धा एक साथ गावानु और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ, और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ। कर गई के छाड़े सभी को संग में गाना है। एक लाइन मैं गाऊंगा, एक लाइन आप सब। जय हो। और कछु जान्यो नहीं आगे अभी आवाज नहीं आया, फिर से एक बार। और कछु जान्यो नहीं कर गही के छाड़े नहीं, कर गही के छाड़े नहीं। आगे सीटे कृषि वल्लभ जिनकी ऐसी दे, श्री वल्लभ जिनकी ऐसी दे, श्री वल्लभ जिनकी ऐसी दे। दूसरी साखी के अंदर श्री हराय महाप्रभु जी अपनी दृढ़ता अपनी अनन्यता बताते हुए कह रहे हैं कि और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक, और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक, कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक।
श्रीधर जी कहते हैं कि मेरे वल्लभ के अलावा इस दुनिया में मैंने और किसी को जाना ही नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि एक वल्लभ को जान लिया फिर और किसी को जानने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक, एक श्री वल्लभ को जाना फिर जगत में मैं जानने की इच्छा भी करूं तो किन की करूं। लेकिन देखो यहीरा जी कहते हैं कि एक होता है वल्लभ को जानना और एक होता है वल्लभ को मानना, और जाना किसको कहा जाए। देखो मैं कई बार अपने प्रवचन में विनोद में कहता हूं ना, प्रसंग तीन एक वर्ष पहले का ही, कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं, कहीं से मैं आ रहा था और मुंबई के एयरपोर्ट में मैं लैंड हुआ, और जैसे ही एयरपोर्ट पे खड़ा था एक बहन भागते भागते मेरे पास आए और मुझे कहा कि जे आपने मुझे पहचाना, मैंने ओळखी। मैंने कहा कहां मिले थे आप, बंबई में हैं आप, अहमदाबाद? बोले ना ना। बोले कहां मिले थे? बोले आप मुझे पहचानो नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा बताओ तो सही कहां मिले थे? बोले चेन्नई में, कलकत्ता में, यहां। बोले ना ना ना, आप मुझे बताओ आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। मैंने कहा अब मेरे बोर्डिंग का अनाउंसमेंट हो गया है, मेरी फ्लाइट छूटेगी। वो बोले कि नहीं आप पहले मुझे बताओ कि आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। अब मैंने भी याद करने का बहुत प्रयत्न किया कि इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो कहीं तो मिले होंगे, लेकिन उनका चेहरा जाना पहचाना लग नहीं रहा था। लेकिन बार बार बोले कि आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना, पहचाना कि नहीं पहचाना। मैंने कहा अब मुझे जाना पड़ेगा वरना मेरी फ्लाइट छूटेगी, आप ही बताओ आप कहां मिले थे। वो बोले मिली आपको नहीं हूं लेकिन आपकी सीढ़ी में घर में रोज देखती हूं। मैंने कहा सीढ़ी जुओ तो हूं तमने देखा हूं पण तमे मने न देखा। तेमणे कहूं एवू होय? मैं कहूं हां एवू होय। आप सीढ़ी देख रहे हो तो सीढ़ी में मैं आपको दिखता हूं लेकिन आप मुझे नहीं दिखो। लेकिन जब मैं फ्लाइट में बैठा तो एक घंटे की फ्लाइट में मेरा चिंतन चलने लगा कि यदि सीढ़ी देख के वो मुझे देखते हैं और उन्हें ये लगने लगा कि मैं भी उन्हें पहचानता हूं, तो वैसे हम भी सत्संग में रोज जाते हैं, प्रभु के दर्शन रोज करते हैं, तो प्रभु के दर्शन करने मात्र से हमको यूं लगने लगे कि वो भी हमें जानने लगे हैं, तो क्या ये संभव है? हम उनके दर्शन करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो भी हमें जानने लगे। और जब जब भी जानने की बात आती है तो एक होता है उनको मानना और एक होता है उनको जानना। तो जब जब भी अपन कहते हैं कि और कछु जान्यो नहीं, तो मैं कहता हूं कि प्रभु को या वल्लभ को मानना चाहिए कि जानना चाहिए? थोड़ा और सरल कर दो, आप प्रभु को मानते हो या जानते हो? देखो आपको लगता होगा कि कथा में जाएंगे आराम से बढ़िया आधा एक घंटा नींद करके आ जाएंगे तो ये मेरी कथा में पॉसिबल नहीं, या तो क्वेश्चन भी आएंगे और आते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले प्रभु को आप जानते हो कि मानते हो? हाँ, मानते हो या जानते हो? मानते हो। पर मैं पूछूं कि प्रभु को मानना चाहिए कि जानना चाहिए? हाँ, जरा जोर से बोलना, सुनाई दे, इतने लोग बैठे हुए हैं। जानना चाहिए। तो जानने में और मानने में क्या भेद है? आपको लगा बेकार में आके टेंशन ले लिया। प्रभु को मानना चाहिए कि प्रभु को जानना चाहिए? प्रभु को मानते हो कि जानते हो? तो देखो प्रभु को मानना कैसे कहा जाए कि जब तक आप औरों के अनुभव पे प्रभु को मानते हो तब तक आप प्रभु को मान रहे हो, लेकिन अपने अनुभूति के आधार पे जब प्रभु का परिचय हो तब प्रभु को जान रहे हो। प्रभु को जब आप कहते हो कि हम मानते हैं और मानते हो कहते हो, यानी प्रभु आपकी मान्यता में है, आपकी बिलीव्स में है। और कोई भी व्यक्ति एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक देख के आपकी मान्यता को एक मिनट में बदल सकता है, लेकिन जब आप स्वयं अनुभव करते हो और आपकी अनुभूति का विषय बनता है तब आप कह सकते हो कि नहीं हम उन्हें जानते हैं। तो यहां जाए महाप्रभु जी कहते हैं कि और कछु जान्यो नहीं, क्योंकि श्री वल्लभ को जान लिया फिर जगत में और किसी को जानने का मन भी कैसे हो। और कछु जान्यो नहीं,
उनको जान लिया कब कहा जाए, कि उनको जानने के बाद उन्हीं के होके रहने का मन हो जावे, तब मानो उन्हें जाना। उन्हें जानने के बाद इस पैरों की यात्रा अटक जावे, तब मानो उन्हें जाना। उनके पास आके मानो लगा के एक मंजिल मिल गई, तब मानो उनको जाना। इसलिए हरिहर जी कहते हैं कि और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक, और वल्लभ भी कैसे कि कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक। क्योंकि मेरे वल्लभ का स्वभाव ऐसा है कि एक बार मेरे वल्लभ जब जीव का हाथ पकड़ते हैं तो कुछ भी हो जाए, एक बार हाथ पकड़ने के बाद उस जीव का हाथ कभी छोड़ते नहीं है। ऐसे मैंने वल्लभ को जाना है, इस प्रकार मैंने वल्लभ को जाना है। और देखो हमारे गुरु का स्वभाव भी होता है ना, कहते हैं कि वल्लभ का स्वभाव कैसा कि कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक। एक बार अपने जीव का हाथ पकड़ने के बाद उसका हाथ कभी छोड़ते नहीं, उसका साथ कभी छोड़ते नहीं। पर कई बार अपन को लगे कि मानो गुरु ने हमें दूर कर दिया। तो दो वस्तु मैं हमेशा कहता हूं, एक होता है ढील देना और एक होता है डोर काटना। यहां पतंग उड़ाते हो ना, आया ना, तो ढील देना और डोर काटना आप दोनों जानते होंगे। जब आप ढील देते हो तो पतंग आपसे दूर जाती है कि नहीं, आया ना। लेकिन जब दूर जाती है तो क्या आपका संबंध उससे कट गया? बोले नहीं, ढील दिया तो आपसे दूर गया, लेकिन जब समय आएगा आप डोर खींचोगे तो वो आपके पास भी आ जाएगा। वैसे ही गुरु कभी हमको दूर करें तो मानो दूर नहीं किया, ये सब ढील दी है। क्योंकि गुरु सिर्फ ढील देते हैं, डोर काटते नहीं है। जब समय आता है उस डोर को खींच भी लेते हैं। और हमारे वल्लभ का स्वभाव भी कैसा कि कर गही के छाड़े नहीं, एक बार जीव को अपनाने के बाद उसे कभी भी अपने से दूर होने नहीं देते। इसलिए तो वो टूटा हुआ पुल था और गुरु अपने छोटे से शिष्य के संग चलते चलते जा रहे थे, और जैसे ही टूटा हुआ पुल आया, पुल हिलने लगा, तब शिष्य ने कहा, गुरु जी ऐसे करो, आप मेरा हाथ पकड़ लो। गुरु को हंसी आ गई, बेटा, और ऐसे कहे कि तू मेरा हाथ पकड़, लेकिन कह रहा है गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो, ऐसा क्यों? तब उस छोटे से बालक ने कहा, गुरुजी मैं तो जीव हूं, जितनी जल्दी पकड़ूंगा उतनी जल्दी छोड़ भी दूंगा, लेकिन आप तो गुरु हो और आपका स्वभाव जानता हूं कि एक बार आपने हाथ पकड़ लिया, कैसी भी मुश्किल आ जाए आप मेरा हाथ छोड़ोगे नहीं, ये भरोसा है मुझे। इसलिए मैंने कह दिया कि कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक, जो एक बार अपने जीवों को शरण में लेके कभी उसे दूर नहीं करते, ऐसी टेक जिसने ली है, वैसे श्री वल्लभ के चरणों का मैं आश्रय करता हूँ। वही वस्तु कह दी कि और कछू जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक, कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक। और ऐसी टेक जिस वल्लभ ने ली है, ऐसे ही वल्लभ को जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। ये बात हरिराय जी ने दूसरी साखी के अंदर कही, और तीसरी साखी का गान हम सब मिलके एक संग करेंगे और सभी को गाना है यहाँ पे। वल्लभ वल्लभ रटत हो, जहाँ देखो तहाँ ए, वल्लभ रटत हो, अगर फिर से एक बार,
वल्लभ वल्लभ रटत हो। सभी की आवाज एक साथ। इन्हीं छाड़ और ही भजे, इन्हीं छाड़ और ही भजे, तो जर जाओ वह देह श्री वल्लभ, जर जाओ वह देह श्री वल्लभ, जर जाओ वह देह श्री वल्लभ, साकी के अंदर हरिराय जी कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, वल्लभ वल्लभ रटत हो, जहां देखो तहां ए, इन्हीं छाड़ और रही भजे तो जर जाओ वह देह। इतनी दृढ़ता की बात श्रीराय महाप्रभु जी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, मैं वल्लभ वल्लभ रट रहा हूं और वल्लभ वल्लभ रटते इस नाम ने ऐसा तो जादू मेरे मन में कर दिया है कि जहां देखो तहां ए। श्री वल्लभ का रटन करते करते, श्री वल्लभ का नाम रटते रटते ऐसी दशा मेरी हो गई है कि जहां देखूं वहां मुझे मेरे वल्लभ नजर आते हैं, जहां देखूं वहां मेरे वल्लभ मानो सामने आके खड़े हो जाते हैं। वल्लभ वल्लभ रटत हो, जहां देखो तहां ए। कैसी प्रेम की अवस्था होगी, कैसी प्रेम की दशा होगी कि उनका नाम लेते लेते वो अपने आंखों के सामने आ जावें। और वल्लभ ऐसे ही नहीं मिलते। हमारे भगवती जन तो कहते हैं कि देखो, कोई भी वस्तु को धारण करना हो तो उसके लिए पात्र चाहिए कि नहीं चाहिए, पात्र हो तब वस्तु आएगी। उसी प्रकार अपने भगवती जन कहते हैं कि जब ब्रह्म को पात्र बनाओ, ब्रह्म को पात्र बनाओ तो कौन मिले, बोले भगवान मिले। फिर से एक बार, ब्रह्म को पात्र बनाओ तो कौन मिले, भगवान मिले। भगवान को पात्र बनाओ तो कौन मिले, बोले पुरुषोत्तम मिले। पुरुषोत्तम को पात्र बनाओ तो यशोदोसंग लालित मिले। यशोदोसंग लालित को पात्र बनाओ तो गोपीजन वल्लभ मिले। और गोपीजन वल्लभ को पात्र बनाओ तब जाके श्री वल्लभ मिले। ये श्री वल्लभ ऐसे ही नहीं मिले। जब ये अवस्था जीव की हो जावे और एक एक प्रत दूर होए तब जाके श्री वल्लभ तक जीव पहुंचे। और वही तो हिराय महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो। जैसे एक पपिया होता है और वो जैसे मेघ को देख के रटता रहता है, जैसे एक चातक होता है स्वाति जल बिंदु को देख के उसका रटन करता रहता है, वैसे ही हिराय जी कहते हैं कि श्री वल्लभ आप तो वो स्वाति जल बिंदु हो और प्यास से तड़पता वो चातक मैं हूँ, कि जिसको देख के उसके नाम के अलावा मैं और कुछ कह ही नहीं सकता। और यही तो अवस्था है। और इसलिए हमारे भगवत जन में कहा है ना कि प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और ना मन में आवे हो। क्योंकि जब वल्लभ के स्वरूप से प्रीत हो जाती है, जब वल्लभ के नाम से रूप से लीला से प्रीत हो जाती है, तब हमारे मन के अंदर उनके अलावा कोई आ नहीं सकता। और प्रीत बंदी ही तब कह सकते हैं कि जब और ना मन में आए, क्योंकि और मन में आ रहे हैं तो प्रीत बंदी कैसे है। तो आइए उसी भाव का श्रवण अपन करें जो हिराय जी कह रहे हैं और उसका दर्शन अपन करें। और नमन में आ
कछु को बतावे हो प्रीत बधि श्री वल्लभा पद सो और मन में आवे हो प्रीत बधि प्रीत बंधि श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो। एक होता है प्रीत लगना, एक होता है प्रीत होना, और एक होता है प्रीत का बंध जाना। लगी हुई शायद छूट जावे, हुई हुई शायद वापस हो सकती है, लेकिन जब प्रीत बंध जाती है तब उसका वापस जाना कोई संभावना नहीं रहती। बस तू होए एनाती विशेष जीवन मा बीजू शू हो, बस एक आप हो, आपके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। जब ये भाव आ जाए तो मानो प्रीत लग गई है, प्रीत बंध गई है। किसी ने कहा है ना कि लोको व्यक्ति ने जोई ने प्रेम करे, पर मैं तो प्रेम करी ने तने जोया। व्यक्ति को देख के प्रेम किया तो उसके अंदर अभी व्यक्ति को जाना नहीं, लेकिन प्रेम करके देखा उसी को तो कहते हैं प्रीत का बंध जाना। और इसलिए तो कहते हैं कि प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो, और प्रीत बंध गई कब कही जाए, कि जब और न मन में आवे हो। और जब तक दिखते हैं तब तक प्रीत बंधी नहीं, और उसके अलावा यदि कोई दिखे ही ना। जब एक चातक पक्षी ने विचार किया कि हमारे कुल की परंपरा है कि हम प्यासे मर जावें लेकिन पियेंगे तो स्वाति जल बिंदु पियेंगे, उसके अलावा कोई जल अपने मुख में नहीं जाने देंगे। हमने तो इस परंपरा को निभाया है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस परंपरा को निभाएगी कि कैसे। ये सोच के अपने बालक को बुलाया और कहा, देख बेटा ये अपने कुल की परंपरा है, बेटा प्यासे मर जाना लेकिन पीना तो मात्र स्वाति जल बिंदु पीना, उसके अलावा और कोई जल मत पीना। और तब बेटे ने कहा, पिताजी मुझे तो आज पता चला है कि स्वाति जल बिंदु के अलावा और भी जल दुनिया में होता है। मैंने तो जल के रूप में जाना तो मात्र एक स्वाति जल बिंदु को जाना, और जब एक के अलावा कोई दिखे ही ना, उसी को तो कहते हैं प्रीत का बंध जाना। और वही वस्तु तो जब ते अंगीकार कियो जन्मों जन्मनो साथ एनो नाम प्रीत, पण हूँ तो कहूँ छूं कि एक पलनो साथ अने जन्मों जन्मनो एहसास एनो नाम प्रीत। और ये प्रीत वही है कि क्षण भी जिसके सानिध्य में हो और युगो युगो तक उनके सानिध्य का अनुभव करा देवे। और उसी बात को तो हिराय महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो जहाँ देखो तहाँ, ये यही तो प्रीत का लक्षण है। और उसी वस्तु को आगे बढ़ा देते हैं, जाके भाग फले जा करी में शरण सोई जन आवे हो। जाके भाग
भाग्य भाग्य फल कलि में शरण सोई जन आवे हो नंद नंदना को निज से बकवे दृढ़ करवाय गहा पद सो और मन में आवे हो प्रीत बंधी प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो हमारे श्री महाप्रभु जी के सेवक हो गए सुंदर दास। कहते हैं सुंदर दास उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि सुंदर शब्द का उपयोग वो करते तो मात्र श्री महाप्रभु जी के लिए करते, अन्यत्र कहीं भी सुंदर शब्द का उपयोग नहीं करते। एक बार कहीं महाप्रसाद ले रहे थे और किसी वैष्णव ने पूछा अरे सुंदर दास प्रसाद कैसा लगा, और उन्होंने कहा सुंदर सुंदर अति सुंदर। सब लोग कहने लगे सुंदर दास तुम्हारी टेक टूट गई, तुम तो श्री महाप्रभु जी के आगे और महाप्रभु जी के बिना ये सुंदर शब्द का उपयोग कभी नहीं करते थे। और जब पूछा प्रसाद कैसे लगा और कह रहे हो अति सुंदर, तब सुंदर दास जी ने कहा तुम क्या पूछ रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस समय मैं महाप्रसाद ले रहा था उस समय मेरे चित्त की वृत्ति तो उस विजयनगर के दरबार में थी जहां महाप्रभु जी का कनकाभिषेक हो रहा है, बड़े बड़े विद्वान श्री महाप्रभु जी के गुणगान गा रहे हैं और वो सुंदर सिंहासन पे विराजमान वल्लभ के स्वरूप में मेरा चित्त था। तुमने पूछा कैसा लगा और मैंने कहा कि मेरे वल्लभ का स्वरूप अति सुंदर लगा, अति सुंदर लगा, अति सुंदर लगा। वल्लभ के अलावा कहीं चित्त ना हो वही तो कहते हैं प्रीत लगे। जीने को करो भूल मन शंका निश्चय करी श्रुति गावे हो रसिक सदा रसिक सदा फल रूप जाने के ले उछंग वल्लभ पदसों और न मन में आवे हो। और वही वस्तु हृदय महाप्रभु जी यहां कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो जहां देखो तहां आए। वल्लभ वल्लभ का रटन करते करते ऐसी दशा हो गई क्योंकि वियोग की परम अवस्था में हरिराय जी आ गए, और संयोग के अंदर तो जहां प्रियतम खड़े हो वहां प्रियतम के दर्शन होते हैं, लेकिन वियोग में तो जहां देखो वहां प्रियतम के दर्शन होते हैं, प्रियतम की एक एक वस्तु में उसके दर्शन होते हैं। और वही अनुभव श्री राय महाप्रभु जी ने इस तीसरी साखी के अंदर किया, उसका दर्शन करके चौथी साखी में प्रवेश करेंगे सभी भाव से और प्रेम से।
देवी देव आराधिके भूलो सब संसार देवी सभी गाइए देव आराधिके भूलो सब संसार वल्लभ नाम नौ का बिना वल्लभ नाम नौ का बिना को कहो उतरो पार श्री वल्लभ कहो उतरो बधाई गावानू छे देवी देव आराधिके आगे अभी भी आवाज नहीं आ रही देवी देव आराधिके देखो इस बार ये साइड वाले गाएंगे अगली बार ये साइड वाले गाएंगे देखते हैं किसका आवाज आता है देवी देव आराधिके अब इस वाले इस साइड वाले देवी देव आराधिके वडोदरा में लोग इतना मीठा गाते होंगे मुझे पता नहीं था देवी देव आराधिके एक साथ वल्लभ नाम नौका बिना वल्लभ नाम नौका बिना आगे जो पार श्री वल्लभ चौथी साखी के अंदर हरिराय जी कह रहे हैं कि देवी देव आराधिके भूल्यो सब संसार देवी देव आराधिके भूल्यो सब संसार श्री वल्लभ नाम नौका बिना कहो को उतरियो पार यह हरिराय महाप्रभु जी कह रहे हैं कि देखो आश्रय का स्वरूप समझा रहे और कभी आपने किसी वृक्ष को हिलते हुए देखा है क्या हाँ या ना हाँ या ना बहुत बढ़िया जब वृक्ष को आप हिलते हुए देखोगे जब आंधी आती है और वृक्ष हिलता है तो सबसे अधिक क्या हिलता है मूल थड़ डालियां या पत्ते बहुत बढ़िया और देखो आपने यदि पत्तों को हिलते हुए देखा होगा और ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये हिल नहीं रहे मानो भय के कारण कांप रहे हैं लगता है कि नहीं भय के कारण धूंज रहे हैं बोले क्यों क्योंकि वृक्षों के जो मूल है वो कहां है बोले भूमि के अंदर और उसके ऊपर जो थड़ है उसको पता है कि हमारे मूल कौन है बोले भूमि के नीचे जो दिखते तो नहीं है पर उनका सामर्थ्य इतना है कि उनके रास्ते पे बड़े बड़े मकान आवे उनको भी वो तोड़ सकते हैं उसके ऊपर है बड़ी बड़ी डालियां उन डालियों ने मूल को नहीं देखा उनको लगता है कि ये जो थड़ जिसमें से हम निकल रहे हैं हमारे मूल ये थड़ है और जब हवा आती है आंधी आती है तो थोड़ी थोड़ी डालियां हिलती हैं लेकिन थोड़ी देर में शांत हो जाती हैं अब बड़ी डालियों में से कुछ छोटी डालियां हैं उसके अंदर छोटी छोटी टहनियां और टहनियों पर लटके हुए हैं वो पत्ते वो पत्तों को पता नहीं है कि हमारे मूल ये भूमि के नीचे हैं वो जो छोटी छोटी टहनियों पे लटके हुए होते हैं ना वो उन्हीं को अपना मूल मानते हैं और इसलिए जब आंधी आती है तो वो पत्ते कांपने लगते हैं क्योंकि वो छोटी छोटी
टहनियों को अपने मूल मानते हैं, उन्हें पता नहीं उनके मूल तो भूमि के अंदर हैं और इतने प्रबल हैं कि बड़े बड़े मकान को भी तोड़ दे। तो कहते हैं ये छोटे छोटे पत्ते यानी कौन ही, बोले ये हम सब जीव। जिस परिवार रूपी छोटी छोटी टहनियों पर लटके हुए हो ना, आप उन्हीं को अपने मूल मान लेते हो। लेकिन जब छोटे पत्तों को पता चले कि ये आंधी आ रही है और उसे लगेगा कि जिस टहनी पे मैं लटका हूं वो तो इतनी छोटी सी है कि मैं टूट जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, और उसके कारण भय के कारण वो कांपने लगता है। लेकिन जिस दिन छोटे से पत्ते को पता चल जावे कि हमारे मूल ये नहीं है जिसमें मैं लटक रहा हूं, हमारे मूल तो भूमि के नीचे रहे वो है कि जिसके आगे बड़े बड़े मकान भी टूट जावे। और जब तक हम पत्ते जैसे जीवों को लगे कि जिस परिवार की डाली में लटक रहा हूं, परिवार की टहनी में लटक रहा हूं, ये मेरे मूल हैं, तब तक छोटी सी हवा भी विचलित कर देगी। लेकिन पता चले ये टहनी मेरे मूल नहीं, लेकिन मेरे मूल स्वयं और कोई नहीं, स्वयं गोवर्धन धरण है और उनके संग मेरा संबंध है, तो बड़े से बड़ी विपत्ति आवे वो भी विचलित कर नहीं पाएगी। इसने कह दिया कि देवी देव आराधिके भूलियो सब संसार। और भूलियो सब संसार यानी क्या, देखो जरा सी भी विपत्ति आ जावे ना तो सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, सब अनुभवी लोग जानते होंगे। जरा सा कष्ट आवे तो सलाह देने वाले हजारों मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, हाँ कि ना तो बोलो। कोई कहेगा ऐसे कर फलानी जगह जाके आ जा, बोले मेरा काम हुआ तेरा भी हो जाएगा। दूसरा कहेगा यानी तू वहां हो क्या, वहां होके आएगा तो तेरा काम पक्का हो जाएगा, बोले ये करके आ वो करके आ। और वो जीव को इतना दौड़ाएंगे और थक के हार के जो भी है और सब कुछ गवा के बैठोगे, तब कहेंगे कि वहां होके आया कि नहीं, बोले वहां तो नहीं गया, बोले इसलिए तकलीफ पड़ी। तो ये इंसान जीव का स्वभाव क्या है, इंसान को भटकाना। और जब इंसान भटकता भटकता जाएगा और ये भूल जाएगा कि मैं किसका हूं, तो भटकता ही रहेगा। इसलिए हरिराज जी ने कह दिया कि देवी देव आराधिके भूलियो सब संसार, श्री वल्लभ नाम नौका बिना कहो को उतरियो पार। देखो जिसके संग प्रभु ने हमको जोड़ा, श्री वल्लभ ने हमको जोड़ा, अब उसका सहारा छोड़ के कहीं भी भटकेंगे तो कोई मिलने वाला है। और यह आश्रय का स्वरूप समझाते और कहते हैं कि हम सब प्रभु की शरण में हैं, पर अपना प्रभु के संग संबंध कौन सा है। देखो प्रभु ने कहा है कि जो मेरी शरण में है उसके जीव के सारे मनोरथ में पूरा करूंगा। तो प्रभु के पास जाके प्रभु अपना वचन निभावे ये तो आशा अपन रखते हैं, पर अभी प्रभु की शरण में आए भी हैं या नहीं, ये कभी सोचने का प्रयत्न किया है। देखो अपना और प्रभु का संबंध कौन सा होता है, एक होता है आश्रय, एक होता है अवलंबन, एक होता है साधन, ये सब अलग अलग वस्तु है। तो अपना और प्रभु का संबंध कौन सा, देखो पहला होता है साधन का संबंध। यदि आपको एक तट से दूसरे तट पे जाना हो नदी के, तो आप किसका सहारा लेते हो, यदि तैरना नहीं आता हो तो किसका, नाव का। यदि नाव का सहारा लेके सामने पार चले गए तो सामने पार पहुंचने के बाद आप नाव को संग लेके जाते हो कि वहीं पे छोड़ देते हो, क्या करते हो। एक बार काम हो गया तो उसको संग लेके जाओगे कि वहीं पे छोड़ दोगे, तो वो संबंध कौन सा हो गया, बोले साधन का। और साधन का संबंध यानी क्या, जब प्रॉब्लम चल रहा है, जब संकट चल रहा है, तो रोज दर्शन करने आते हैं, रोज प्रभु का नाम लेते हैं, और जैसे ही कसौटी से पार उतरे प्रभु का नाम, क्या बात है, सब लोग अनुभवी है, उसको कहते हैं प्रभु के नाम का सहारा भी अपन ने साधन के रूप से लिया। दूसरा होता है अवलंबन। अवलंबन किसको कहते हैं, जैसे हाथ में फ्रैक्चर हो गया हो तो हाथ सीधा रखने के लिए कपड़े की पट्टी बांधते हैं, या बांधते कि नहीं बांधते, हाँ कपड़े की पट्टी बांधते, बोले क्योंकि हाथ सीधा रहे। और हाथ सीधा रखने के लिए जो कपड़े की पट्टी का सहारा लिया उसको बोलते हैं अवलंबन। तो जब तक हाथ ठीक नहीं हुआ आप बार बार उतारोगे और उस पट्टी को संभाल के रखोगे कि नहीं, यदि पट्टी चली गई तो हाथ सीधा रहेगा नहीं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि अब फ्रैक्चर ठीक हो गया है, अब पट्टा खोल देना है, और जैसे ही ये बैंडिंग खुलेगा उस कपड़े की पट्टी का क्या करोगे, सही सही बोलना,
तो जब तक जरूरत थी सहारा लिया, जब काम पूरा हुआ तो सहारा छोड़ दिया। यदि ऐसा संबंध अपन प्रभु के संग जोड़ के बैठे हैं तो उसको बोलते हैं अवलंबन। एक हुआ साधन, एक हुआ अवलंबन, और तीसरा है आश्रय। और आश्रय यानी क्या? जैसे भूमि के सहारे के बिना अपन रह नहीं सकते, वैसे ही प्रभु का आधार, और वो आधार के बिना हम रह नहीं सकते, ये अनुभूति हो जाए तो उसको कहते हैं आश्रय। लेकिन ये तीनों में से हमारा प्रभु के संग संबंध कौन सा जोड़ के अपन बैठे हैं? साधन वाला, अवलंबन वाला या आश्रय वाला, कौन सा संबंध है? सच्ची सच्ची बोलना। जब तक कार्य नहीं हो रहे थे तब तक रोज जाते हैं, जब तक कार्य नहीं हो रहे थे तब तक रोज पाठ हो रहे थे, रोज माला हो रही थी, लेकिन जैसे ही कार्य हो गया तो जिसकी कृपा से कार्य हुआ हर एक के लिए समय मिलता है, लेकिन जिसकी कृपा से कार्य हुआ सिर्फ उसके लिए समय मिलता, सबको पता है। इसलिए कह दिया कि देवी देव आराधी के भूल्यो सब संसार। और देवी देव आराधी के भूल्यो सब संसार दिव धातु है, और दिव धातु इसका मतलब क्या कि इंसान का स्वभाव क्या कि जहां चकाचौन देखे, जहां बपका देखे वहां भागे, और बपका देख के जो भागे तो भाग भाग के वो भटकता ही रहेगा, जहां तक अटका नहीं वहां तक कुछ पाएगा नहीं। इसलिए हरिहर जी कहते हैं कि देवी देव आराध्य के भूल्यो सब संसार, श्री वल्लभ नाम नौका बिना कहो को उतरियो पार। और ये वल्लभ नाम की नौका कैसी है? जैसे आप समुद्र किनारे खड़े हो या नदी किनारे खड़े हो, सामने पार जाना हो, आपको तैरना भी नहीं आता, आपको नौका भी चलानी नहीं आती, लेकिन बस सामने खड़े प्रियतम को आप देख रहे हो, उसका नाम ले रहे हो, और अचानक उसके मन में भी हमें मिलने की इच्छा हो गई, और वो स्वयं नौका लेके आपको मिलने के लिए आ गया, उससे उत्तम कुछ हो सकता है? तो कहते हैं कि जब वल्लभ का नाम रटते रटते वल्लभ का गुणगान करें तो इस भवसागर से पार ले जाने के लिए स्वयं वल्लभ राम के नाम की नौका आती है और जीव को बैठा के उस पार ले जाती है। उसी को तो कहते हैं वो फल दशा। तो वही बात ये चौथी साखी के अंदर श्री हरिहर महाप्रभु जी ने कही, और पांचवी साखी का दर्शन अपन करेंगे जिसके अंदर हरिहर जी कह रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा सिर्फ साखी पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, पर गाना है। तो पांचवी साखी का दर्शन करेंगे जिसमें हरिहर जी कह रहे हैं ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए, जाकी कृपा अपार। ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए, जाकी कृपा अपार। पल पल में रटते रहो, पल पल में रटते रहो, श्री वल्लभ नाम उच्चार, श्री वल्लभ वल्लभ नाम उच्चार, जय हो। आओ से ताली बजाते हुए प्रभु क्यों बिसारिए, आगे एक साथ ही बदन हो जाओ जो फरी बार। ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए, पल पल में रट पल में रटते रहो, श्री मैं उच्चार, श्री वल्लभ वल्लभ नाम उच्चार, श्री वल्लभ वल्लभ नाम उच्चार,
पांचवी साखी के अंदर हरिराय जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए, जाकी कृपा अपार, पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार। बोले ऐसे प्रभु को कोई कैसे भूल सकता है कि जिसकी कृपा इतनी अपार, जीव का ब्रह्म संबंध भी हुआ श्री वल्लभ की कृपा से, घर में प्रभु की सेवा भी मिली श्री वल्लभ की कृपा से, और कितनी कृपा श्री महाप्रभु जी की जीव के ऊपर, कितनी कृपा श्री वल्लभ की अपने जैसे जीवों के ऊपर। विचार करो कि जो प्रभु की सेवा का सुख श्री यशोदा मैया को भी मात्र 11 वर्ष और 52 दिन मिला, वो प्रभु की सेवा पूरा जिंदगी भर के लिए अपने माथे पधरा दी, उससे बढ़कर वल्लभ की कृपा और क्या हो सकती है। और जब श्री वल्लभ ने प्रभु से विनती करी कि प्रभु मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे प्रत्येक वैष्णव के घर में जाके प्रभु आप विराजो, और जो सुख व्रजभक्तों को दिया वही सुख मेरे प्रत्येक वैष्णव को भी आप दो। और तब प्रभु ने कहा, वल्लभ आपकी ऐसी इच्छा है कि मैं आपके हरेक वैष्णव के घर जाके विराजूं और उन्हें वही सुख दूं कि जो सुख मैंने व्रजभक्तों को दिया था। पर वल्लभ क्या बताऊं, मेरा तो ऐसा प्रण है कि व्रज छोड़ के मैं कहीं जाऊंगा नहीं, और व्रज छोड़ के मैं एक चरण भी कहीं नहीं रखूंगा, तो आपकी विनती को मैं कैसे पूरे करूं। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा कि देखो प्रभु, आपकी ऐसी इच्छा है कि आप व्रज छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, और मेरा ऐसा मनोरथ है कि मेरे प्रत्येक वैष्णव के घर में आप विराज के उसको वही सुख दो कि जो सुख उन व्रजभक्तों को दिया था। पर आपका प्रण है व्रज छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, और मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे हरेक वैष्णव के घर में आप पधारो, तो प्रभु एक उपाय है जिससे आपकी बात भी रह जाएगी और मेरी विनती भी पूरी हो जाएगी। तब प्रभु ने कहा, कहो वल्लभ मैं क्या करूं। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा कि व्रज छोड़ के कहीं नहीं बाहर जाओगे, ये आपका प्रण है, और मेरे हरेक वैष्णव के घर में पधार के विराजमान हो जाओ, ये मेरी विनती है। तो एक कृपा प्रभु करो कि जिसके घर में मैं आपको पधराऊं, आप उस वैष्णव के घर को ही व्रज बना दो, तो आपकी बात भी रह जाएगी और मेरी विनती भी रह जाएगी। और इसलिए जिस दिन श्री वल्लभ ने अपने घर में प्रभु को पधराया, उस दिन से अपना घर घर नहीं, वो तो व्रज बन गया है। और ऐसी कृपा जिसने करी कि स्वयं प्रभु के संग हमारा संबंध जोड़ दिया, स्वयं प्रभु के संग हमें जोड़ दिया, उससे बड़ी कृपा और श्री वल्लभ की अपने ऊपर कौन सी हो सकती है। और उसी कृपा का अनुभव यहां करते हैं। और देखो तो सही, श्री वल्लभ की कैसी कृपा कि आपने भक्तों के मनोरथ तो पूर्ण करे, लेकिन प्रभु का भी एक मनोरथ पूरा किया ना। मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं कि श्री वल्लभ की कैसी कृपा कि प्रभु के मनोरथों को भी श्री वल्लभ पूर्ण करते हैं। क्योंकि सारस्वत कल्प के अंदर एक बार छोटे से लालन चलते चलते मैया के पास आए और कहने लगे, मैया मैं तो एक बात कहने आया हूं, मैं तो एक बात कहने आया हूं। मैया ने कहा, कहे। बोले, कहूं तो सही पर क्या करूं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। मैया कह रही है, मेरे से क्यों शर्म आ रहा है। बोले, कहे क्या कहना है। बोले, क्या कहूं मैया, बात तो कहने आया हूं, बड़े मन की इच्छा कहने आया हूं, पर क्या करूं मुझे बड़ी शर्म आ रही है। मैया ने कहा, तू कह रहा है कि नहीं कह रहा है, बता क्यों शर्म आ रहा है, मैं कोई पराई थोड़ी तेरी माँ हूं। तब छोटे से 5 साल के लालन वापस आए और कहने लगे, मैया आज मेरे मन में एक मनोरथ हुआ है। मैया ने कहा, क्या। बोले, क्या करूं, कहना हो तो है पर बड़ी शर्म आ रही है। मैया ने हाथ पकड़ा, अब कह रहा है कि नहीं, मुझे बता वरना तुझे सजा दूंगी। प्रभु ने कही, मैया क्या करूं, मन में एक मनोरथ जागा है। बोले, क्या। मैया मुझे ब्याह करना है। अब छोटे से 5 साल के कन्हैया कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं मुझे ब्याह करना है, सुन के मैया को हंसी आ गई। बोले, अच्छा तुझे ब्याह करना है। बोले, हाँ, तो मुझे बता तुझे दुल्हन कैसी चाहिए, तो मैं आज से ढूंढना चालू कर दूं। प्रभु ने कहा कि मैया मुझे ऐसी दुल्हन चाहिए कि जो अपने हाथों से मुझे स्नान करावे, अपने हाथों से मुझे वस्त्र धरावे, अपने हाथों से मेरे श्रृंगार करे, अपने हाथों से मुझे अरोगावे, और जब बाहर जाए तो अपनी गोद में लेके बाहर जावे। अब 5 साल के बालक अपनी दुल्हन के बारे में सोच सकते हैं, तो क्या सोच सकते हैं। मैया को चक्कर आ गए कि ऐसी दुल्हन पूरे ब्रजमंडल में कहां मिलेगी, अपने हाथ से अरोगावे, हाथ से उसे वस्त्र बनावे और अपनी गोद में बैठा के उसको श्रृंगार करे, ऐसी दुल्हन कहां ढूंढूं। अपने हाथ से अरोगावे
और जब बाहर जाए तो अपनी गोद में लेके बाहर जाए, ऐसी दुल्हनिया बज में कहां मिलेगी। पूरा सारस्वत कल्प बीता, ऐसी दुल्हन प्रभु को न मिली और प्रभु का वो मनोरथ अधूरा रह गया। कैसी दुल्हन चाहिए। लेकिन कलिकाल के अंदर जब श्री वल्लभ प्रगटे और जाना कि मेरे प्रभु का ये मनोरथ बाकी रह गया है कि प्रभु को ऐसी दुल्हन चाहिए जो अपने हाथों से प्रभु को अरुगावे, अपने गोद में बैठा के प्रभु को श्रृंगार धरावे और जब बाहर जाए तो गोद में लेके जाए, तो ऐसी दुल्हन का मनोरथ प्रभु का पूरा कैसे करूं। और वल्लभ ने कृपा करके क्या किया, वल्लभ ने कृपा करके जीवों को ब्रह्म संबंध दे के, और हरियाय जी कहते हैं जीव का ब्रह्म संबंध यानी प्रभु के संग अलौकिक लग्न, और वैष्णव का ब्रह्म संबंध करके उन्हें प्रभु की अलौकिक दुल्हन बना दिया। और अलौकिक दुल्हन ऐसी कि जैसी प्रभु की इच्छा थी कि जब वैष्णव ठाकुर जी को स्नान करावें और श्रृंगार करें तो उन्हें अपनी गोद में बैठा के श्रृंगार करें, अपने हाथों से अरोगावें और जब बाहर जाएं तो वही झांपी जी में प्रभु को हस्त में लेके बाहर जाएं। और जो मनोरथ प्रभु का सारस्वत कल्प में बाकी था इस कलिकाल में श्री वल्लभ ने पूरा किया, और जीव मात्र को प्रभु की दुल्हन बना के वो सुख दिया के जो सुख और किसी को मिल न सके। इसलिए तो हरिराय जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए जाकी कृपा अपार। ऐसे वल्लभ को कोई कैसे भूल सकता है कि जिसकी ऐसी अपार कृपा है। और कहते हैं कृपा भी कितने रूप से होती है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि शब्द के द्वारा कृपा होती है, स्पर्श के द्वारा, स्मरण के द्वारा और दृष्टि के द्वारा। कितने कितनी प्रकार से कृपा होती है, चार प्रकार मैंने कहे, कौन कौन से। पहला शब्द के द्वारा, दूसरा स्पर्श के द्वारा, तीसरा दृष्टि के द्वारा और चौथा स्मरण के द्वारा। ये चार प्रकार से कृपा होती है। गुरु की पहली कृपा का अनुभव होता है उनके शब्दों के द्वारा, किसके द्वारा। और श्री महाप्रभु जी का भूतल में प्रागट्य भी वाण्या अजदाता स्वास्थ्यम प्रादुर्भूतम चकारही, वाणी के द्वारा कृपा करने के लिए हुआ है। और पहली कृपा आपकी होती है शब्द के द्वारा, क्योंकि जब आप बैठ के वचन सुनते हो तो पहले गुरु के शब्दों का परिचय होता है, फिर अर्थ का परिचय होता है। लेकिन शब्द तो पात्र हैं, और पात्र का इतना महत्व नहीं, लेकिन अंदर भर के हमारे गुरु ने हमारे लिए क्या भेजा है उसका महत्व। और जब ये पात्र रूपी शब्दों की परतें खुलती हैं तब अंदर रहा रस भीतर प्रगटता है। तो पहली कृपा गुरु की होती है शब्द के द्वारा। कहीं सुना था मैंने, इंसान चलता हुआ जा रहा था, पास में कुआं था, कुएं के अंदर उसने देखा तो क्या देखा, एक मेंढक है। और बाहर आए व्यक्ति ने कहा कि देख मेंढक, मुझे बता आसमान तूने कभी देखा है कितना बड़ा होता है। उस मेंढक ने कहा इतना बड़ा। बाहर रहे व्यक्ति ने कहा अरे आसमान इतना बड़ा नहीं होता, इससे काफी बड़ा है। तब मेंढक ने क्या कहा, कुएं के एक दीवार से दूसरे दीवार तक छलांग लगाई और कहा इससे बड़ा हो नहीं सकता। बोले क्यों, कुएं के अंदर रहे मेंढक को उतना ही आकाश दिखता था कि जितना कुएं का मुख था, और जितना कुएं का मुख था उतना ही आकाश उसे दिखता था। उसने कह दिया अब इससे बड़ा आकाश हो नहीं सकता। बाहर आए व्यक्ति ने कहा कि देख मेंढक, तू कुएं के अंदर है और तुझे असली आकाश की विशालता देखनी है तो एक बार उस कुएं से बाहर आना पड़ेगा, और एक बार इस कुएं से बाहर आएगा तब तू जान पाएगा कि आकाश की विशालता किसे कहते हैं। लेकिन भीतर रहा मेंढक, बाहर निकले कैसे। तो बाहर रहे व्यक्ति ने रस्सी डाली और कहा देख ये रस्सी को पकड़ ले तो तू बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा तो उस आकाश की विशालता को देख पाएगा। यूं विचार करके रस्सी डाली, लेकिन मेंढक विचार करने लगा अरे मैंने तो पूरी जिंदगी भर यही आकाश को देखा है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, शायद मैं रस्सी पकड़ लूं और बाहर जाऊं और बाहर कुछ ना हो। तो बाहर रहा यात्री कह रहा है जल्दी कर, मुझे देर हो रही है, जल्दी रस्सी पकड़ वरना भीतर ही रह जाएगा। सोचने लगा नहीं करना तो है पर क्या करूं, मुझे यहाँ की जवाबदारी निभानी है, सारे कार्य करने हैं, वो कार्य पूरे करने के बाद रस्सी पकड़ूंगा। सोचता रहा उतने में बाहर रहे व्यक्ति के जाने का समय हो गया और वो चले गए, और वो अंदर रहा मेंढक अंदर के अंदर रह गया। तो वो कुएं के अंदर बैठा हुआ मेंढक और हम में ज्यादा फर्क नहीं है। जब जब भी गुरु आते हैं
और आके कहते हैं कि देख जिस संसार रूपी कुएं के अंदर तू है वही असल दुनिया नहीं, तू उससे बाहर आ तो मैं तुझे उस अनंत की विशालता का अनुभव कराऊंगा। और गुरु अपने शब्द रूपी रस्सी को अपने तक डालते हैं, गुरु अपने शब्द रूपी अपने वचन रूपी रस्सी को अपने तक डालते हैं और कहते हैं कि इस शब्द रूपी रस्सी को एक बार तू पकड़ के देख तो सही, मैं तुझे उस विशालता का दर्शन कराऊंगा। लेकिन हम सोचते रहते हैं अभी तो ये घर के काम करने हैं, वो जवाबदारी निभानी है, ये निभानी है, और यही सोचते सोचते वो 7 दिन सत्संग के व्यतीत हो जाते हैं और बाहर रहे व्यक्ति को लगा मुझे जाने का समय हो गया। और ये यात्रा इस जन्म की नहीं, जन्मों जन्मों तक अपन ऐसे ही उस कुएं रूपी संसार के अंदर डूबते रहे, उस अनंतता को जान न पाए। इसलिए सबसे पहला कहा कि शब्द के द्वारा परिचय, शब्द के द्वारा गुरु कृपा करते हैं। दूसरा कहा स्पर्श के द्वारा, गुरु के चरणों का स्पर्श हो जावे, गुरु के हस्त मस्तक पे पड़ जावे तो भी जीव के ऊपर कृपा हो जावे। तीसरा कहा दृष्टि के द्वारा, गुरु के सामने जाके बैठे, शायद गुरु उस समय बोले के ना बोले लेकिन दृष्टि पड़ी तो समझ लो काम हो गया, क्योंकि जो वस्तु शब्दों से नहीं दी जाती वो दृष्टि से दी जा सकती है, दृष्टि के द्वारा भी कृपा होती है। और चौथा कहा स्मरण के द्वारा, किसके द्वारा? देखो हम तो गुरु को याद करें लेकिन कभी गुरु हमें भी याद करें पता कैसे चले। तो मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं कि हम तो गुरु को याद करते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, श्री वल्लभ का स्मरण करते हैं, पर वल्लभ को भी उनके जीवों की याद आती है पता कैसे चले, हमारे गुरु भी कभी हमें याद करते हैं पता कैसे चले। तो मैं हमेशा कहता हूं कि 24 घंटे लौकिक कार्यों में रत रहने वाला अपना मन, 24 घंटे लौकिक माहौल में रहने वाला अपना ये मन, और उस मन के अंदर सत्संग में जाके बैठने का मन हो तो मानो निश्चित आज मेरे गुरु ने मुझे याद किया है। ये मेरा सामर्थ्य नहीं था कि मैं जाके बैठ सकता, हजारों अवरोध थे, हजारों आपत्तियां थी, हजारों तकलीफ थी, लेकिन यहां तक आया और यहां बैठा, ये मेरे गुरु ने आज मुझे याद किया है, अन्यथा मैं आ नहीं सकता। स्मरण के द्वारा भी कृपा होती है। इसलिए हरिराय जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए, जाकी कृपा अपार, जिसकी ऐसी अपार कृपा अपने ऊपर बरस रही है, और पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार। और पल पल में जीवन के हरेक मोड़ पे, जीवन की हरेक घड़ी में श्री वल्लभ का नाम को अपन रटते रहें, क्योंकि वल्लभ का नाम क्या है, हरिया जी कहते हैं ना, सबन ते श्री वल्लभ नाम भलो, याही में गोकुल, याही में वृंदावन, याही में ब्रज मंडलो। श्री राय महाप्रभु जी कहते हैं कि वल्लभ का नाम ऐसा है कि एक बार वल्लभ का नाम लिया समझ लो आपके 84 कोस की परिक्रमा यहां बैठे बैठे हो गई। ये बार बार साखी गाने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब जब भी आप श्री वल्लभ गाओगे, हरिराय जी कहते हैं कि सबन ते श्री वल्लभ नाम भलो याही में गोकुल, जब एक बार वल्लभ का नाम लो मानो श्री गोकुल में ठकरानी घाट में यमुना जी के पान हो गए, जब वल्लभ का नाम लिया मानो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई, श्री वल्लभ का नाम लिया मानो 84 कोस की परिक्रमा हो गई, ऐसा ये वल्लभ का नाम है। इसलिए कह दिया पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार। वल्लभ नाम अगार है, जहां तहां तो मत बो, वल्लभ नाम अगार है, जहां तहां तो मत बो, जब हरिजन ग्राहक मिले, सभी को एक संग आना है, वल्लभ नाम अगाध है,
फिर से एक बार, वल्लभ नाम अगाध है। इतने हजारों लोग बैठे हैं, देखो, जब हरिजन ग्राहक मिले, जब हरिजन ग्राहक मिले, तो ताआगे तू खोल श्री वल्लभ, ताआगे तू खोल श्री वल्लभ, छठी साकी में श्री हरिराय महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्री वल्लभ नाम अगाध है। कैसा है? अगाध, जिसका कोई छोर नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। श्री वल्लभ नाम अगाध है, जहां तहां तू मत बोल, जब हरिजन ग्राहक मिले ता आगे तू खोल। अभी हरिराय महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्री वल्लभ का नाम अगाध है, और उस नाम को कौन सुन पावे, और उस नाम को कहां प्रकट करना चाहिए। तो कहते हैं जब हरिजन ग्राहक मिले ता आगे तू खोल। तो देखो, श्री वल्लभ का नाम कहां प्रकट करना और कहां छुपाना, ये युक्ति और एक उक्ति श्री हरिराय महाप्रभु जी अपन को दे रहे हैं। जैसे 41 पद में भी हरिराय जी कहते हैं ना कि भक्त राखत हिए हार करके, तो श्री वल्लभ का नाम अपने कंठ में कैसे रखो, जैसे एक स्त्री अपने गले में हार रखती है ना, वैसे। क्या कहा मैंने? कि श्री वल्लभ का नाम अपने कंठ में कैसे रखो कि जैसे एक स्त्री अपने कंठ में हार रखती है वैसे। अब हार रखती है वैसे यानी कैसे? अब देखो, आप आपके घर के बिल्कुल थोड़े दूर ही किसी का रिसेप्शन हो और आपको अटेंड करने जाना हो, और आपने सोचा बिल्कुल पास में ही है तो चल के चले जाएंगे, और उस समय आपने बड़ा कीमती हार अपने गले में धारण किया और चलते चलते जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि उनकी दृष्टि यदि इस हार पे पड़ती है तो गड़बड़ हो सकती है, तो उस समय आप क्या करोगे? ये तो भाई जवाब दे रहे हैं। आप क्या करोगे? जैसे गले में हार धारण करके चलते हुए जा रहे हो, लेकिन रस्ते में कुछ लोग ऐसे खड़े हैं कि जिनकी दृष्टि इस हार पे पड़ी तो गड़बड़ हो सकती है, तो उस समय आप अपने वस्त्रों से, अपनी साड़ी से उस हार को ऐसे ढक लोगे कि जिससे इसको तकलीफ हो सकती है या जिसकी दृष्टि पड़ने पे प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी नजर इस पे पड़ न सके। वहां से तो बच गए। अब जैसे ही रिसेप्शन में पहुंचे और जाके क्या देखा कि यहां तो सारे अपने हैं, और जहां देखा कि सारे अपने हैं तो आप क्या करोगे? उस हार को ऐसे बाहर निकाल के रखोगे कि वहां आया हुआ कोई भी उसके दर्शन से वंचित न रह जाए। तो जैसे एक स्त्री अपने कंठ में हार को रखे, जहां उसे लगे खतरा है तो हार को छुपा लेवे, और जहां लगे कि यहां सारे अपने हैं तो उस हार को ऐसे प्रकट कर देवे कि उसके दर्शन से कोई वंचित न रह जावे। वैसे ही हरिराय जी कहते हैं कि वल्लभ के नाम कैसा है? बोले वो अगाध है। जहां लगे कि इस नाम को जानने वाला या समझने वाला नहीं, तो उस नाम को थोड़ा ढक दो, छुपा दो, लेकिन जहां लगे कि ये अपने ही हैं, तब उस नाम को प्रकट करने में कोई बाकी ना रखो। इसलिए हरिराय जी कहते हैं कि वल्लभ नाम अगाध है, जहां तहां मत बोल, जब हरिजन ग्राहक मिले, जब हरिजन ग्राहक मिले ता आगे तू खोल। देखो क्या अद्भुत शब्द श्री हरिराय जी कहते हैं। कहा कि जब हरिजन ग्राहक आवे, और हरिजन यानी कौन? कि जो प्रेम का पारखी हो उसे कहते हैं हरिजन। जो आपके प्रेम को जान सकता हो, आपके मन की दशा को समझ सकता हो, ऐसा कोई मिले, उसके आगे जब उस नाम को आप प्रकट करोगे तो आपके हृदय के किस रस में भींज के वो नाम बाहर प्रकटा है उसको वो जान सकता है।
क्योंकि नाम जब आपके मुख से प्रगटता है तो ऐसे ही नहीं प्रगटता, आपका उसके प्रति जो रस जा जो प्रेम आपके हृदय में है उसमें भीग के नाम प्रगटता है, और सामने जो भीगा हुआ होगा वही आपके रस को जान पाएगा। इसलिए कह दिया कि हरिजन कौन कि जो स्वयं प्रेम का पारखी हो, हरिजन कौन जो स्वयं भीगा हुआ हो, जो भीगा हुआ होगा वही तो आपको भिगो पाएगा। हरिजन कौन कि जो रस के अनुभवी हो, आपकी अवस्था को भी जानते हो, आपके मन की दशा को भी जानते हो, और ऐसा कोई हरिजन ग्राहक मिले कि जिसके आगे आप उस नाम का उल्लेख करोगे तो आपके हृदय की पीड़ा चाहे और समझे के न समझे उस तक पहुंच जाएगी, आपके हृदय का उसके प्रति प्रेम उस तक स्पर्श कर जाएगा। इसने कह दिया कि जब हरिजन ग्राहक मिले ता आगे तू खोल। देखो यहां श्रोता नहीं कहा, ग्राहक कहा है। श्रोता में और ग्राहक में बड़ा फर्क होता है। बोले क्यों? क्योंकि देखो यहां से मैं जो भी कुछ कहता हूं लेकिन सामने बैठने वाला वो अपने अनुभव से सुनता है। ध्यान से सुनना, वक्ता जब कोई वस्तु बोलता है तो अपने अनुभव के आधार पर बोलता है, और श्रोता जब सुनता है तो उसी वस्तु को अपने अनुभव के आधार पर सुनेगा। तो वक्ता का अनुभव अलग है और श्रोता का अनुभव अलग है, तो वक्ता ने जो वस्तु कही वो वैसी की वैसी क्या श्रोता सुन पाएगा, समझ पाएगा? हां के ना तो बोलो। वक्ता जब 100% कुछ वस्तु कहता है तो वो अपने अनुभव से कह रहा है, लेकिन श्रोता का अनुभव उसके प्रति कुछ और है। तो जो वस्तु यहां से 100% कही गई पहुंचते पहुंचते आपके कानों तक कितने परसेंटेज हो जाएगा? हाँ, कितना? 50। बहुत बढ़िया। कान से अंदर उतारा तो 50% का समझ में कितना आएगा? कितना? 18%। क्या? तो वक्ता ने जैसा कहा वैसा श्रोता वैसा के वैसा सुनेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। बोले क्यों? क्योंकि वक्ता जब बोल रहा है तो उस व्यक्ति का उस विषय के उस व्यक्ति के प्रति अनुभव कुछ और है, और अपने अनुभव के रस में भिगो के वो शब्द कह रहा है लेकिन सुनने वाले का अनुभव कुछ और है। तो वो अपने अनुभव के आधार पे कही हुई वस्तु को समझेगा, उसका विश्लेषण करेगा और अपने समझ में जैसा और जितना आवे उसको अंदर उतारेगा। तो वक्ता ने जो कहा वो 100% श्रोता सुन या समझ नहीं पाएगा, और इसलिए यहां शब्द कहा है कि जब हरिजन ग्राहक मिले। एक होता है श्रोता और एक होता है ग्राहक। ग्राहक किसको कहते हैं कि जिसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता हो उसे कहते हैं ग्राहक। ग्राहक किसको कहते हैं कि जिसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता हो, और ग्रहण करने की क्षमता हो उसका मतलब क्या कि जैसे पानी के अंदर आप स्पंज, वो स्पंज होता है उसको डुबोएंगे तो वो ग्रहण कर लेगा कि नहीं कर लेगा? हाँ या ना तो बोलो। जैसे एक स्पंज है उसको आप पानी के अंदर डुबोगे तो वो जैसा पानी है वैसा ही ग्रहण कर लेगा कि अपनी बुद्धि से विश्लेषण करेगा कि ये मिनरल वाटर है कि ये वाटर है कि वो वाटर है, कुछ चिंतन करेगा? नहीं करेगा। जैसा दिया वैसा ग्रहण कर ले उसको कहते हैं ग्राहक, जिसमें अपने मन बुद्धि से विश्लेषण करे बिना जो भेजा गया है उस पर भरोसा करके अपना ले उसको कहते हैं ग्राहक। हा? ग्राहक किसको कहते हैं? वो पंक्ति में कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं, मकरंद दवे के शब्द है ना, अमे तो सूका रूनु पूमड़ु अने तमे अत्तर रसदार, अमे तो सूका रूनु पूमड़ु अने तमे अत्तर रसदार, भिंजवी दो ने तारे तार। जैसे एक सूका रू का वो पूमड़ा होता है उसे अत्तर के अंदर डुबो तो अत्तर के अंदर डूबते ही जैसे उसका एक एक तार महकने लगता है, एक एक तार मदमदने लगता है, उसी को कहते हैं ग्राहक। जब बैठ के सुनते हो और कानों से सुनते हो तो श्रोता हो, लेकिन ऐसी घड़ी आ जाए कि आपका रोम रोम श्रवण करने लगे तब मानो ये ग्राहक है जो ग्रहण कर रहा है। जैसे दिया गया वैसे ही ग्रहण कर रहा है, जैसा भेजा गया वैसा के वैसा सांप ने जब पहुंचने लगे तब वो श्रोता नहीं वो ग्राहक हो जाता है।
और इसलिए हरिराय जी कहते हैं कि जब हरिजन ग्राहक मिले ता आगे तू खोल। और ग्राहक उसी को कहते हैं जो रस को जानने वाला हो और जैसा दिया वैसा ग्रहण करने वाला हो। इसलिए हरिराय जी कहते हैं कि श्री वल्लभ नाम अगाध है, जहां तहां तू मत बोल, जब हरिजन ग्राहक मिले ता आगे तू खोल। ये बात छठी साखी में कही, इसका श्रवण करके आगे सातवीं साखी का श्रवण अपन करेंगे, जिसका वर्णन करते हुए हरिराय महाप्रभु जी आगे कह रहे हैं। वल्लभ वर को छाड़ी के और देव को ध्यान, वल्लभ वर को छाड़ी के और देव को ध्यान, तामुख पन्हैया कूटी जब लग को ती जाए श्री वल्लभ, जब लग को ती जाए, जय हो। सभी गाएंगे। वल्लभ वर को छाड़ी के आगे, सभी की आवाज आनी चाहिए एक संग, वल्लभ वर को छाड़ी के तामुख पन्हैया कूटिए, तामुख पन्हैया जब लग कूटी जाए श्री वल्लभ, जब लग कूटी जाए श्री वल्लभ, जब लग कूटी जाए। सातवीं साखी बड़ी मार्मिक है, इसे समझना बड़ा मुश्किल है। श्री वल्लभ वर को छाणी के और देव को ध्याए, तामुक पन्हैया कूटिए जब लग कूटी जाए। अब देखो हरिराय महाप्रभु जी ने ये साखी किनके मुख से कहलाई है, ध्यान से सुनना। हरिराय जी कहते हैं कि जिन प्रभु का आश्रय अपन ने किया, जिन प्रभु के चरणों में उनके हैं और उनके होके रहेंगे, ये वचन हमने दिया और उनका सहारा छोड़ के जब हम किसी भी देव के पास जाते हैं, तो ये साखी जो है हरिराय जी ने उन देवों के मुख से प्रकट कराई है। एक वस्तु समझना कि जिन श्रीनाथजी बाबा के चरणों में अपन ने वचन दिया कि प्रभु हम आपके हैं और आपके होके रहेंगे, ये वचन एक बार देने के बाद अपन यदि किसी के पास भी जाएंगे तो क्या वो हमारा भरोसा करेगा, क्या कहेगा कि जिसका होने का वचन इसने दिया उसका हो के रह नहीं पाया तो हमारा तो क्या होगा। हा? अब देखो जिसका आश्रय अपन ने किया और उसी के हो न पाए तो हमारी दशा क्या होगी। कहते हैं ना, एक शिकारी एक हिरण का शिकार करने के लिए भाग रहा था, आगे आगे हिरण भाग रहा है, पीछे पीछे शिकारी, सामने एक झाड़ी थी और झाड़ी के पीछे जाके हिरण छुप गया। जो शिकारी भूखा था हिरण को ढूंढ रहा था, लेकिन झाड़ी के पीछे हिरण छुप गया तो उसे दिखाई देना बंद हो गया, और दिखाई देना बंद हो गया, चारों ओर देखा कहीं ना दिखा, उसे लगा शायद हिरण कहीं निकल गया होगा। ये सोच के वो वापस जाने लगा और हिरण को निश्चिंता हो गई, चलो मैं बच गया, इस झाड़ी के पीछे छुप गया तो मेरे प्राण बच गए।
और जैसे ही शिकारी को जाते हुए देखा तो हिरण को लगा कि अब मुझे मारने वाला कोई नहीं, और जिस झाड़ी ने उसे बचाया था उसी झाड़ी के पत्ते खाने उसने शुरू कर दिए, और जिस झाड़ी की आड़ में वो बचा हुआ था जब उसी के पत्ते खाने शुरू कर दिए तो जिन पत्तों के आड़ से वो बचा हुआ था वही हिरण अब शिकारी को दिखने लगा, और जैसे ही शिकारी ने देखा कि ये तो यहां छुपा हुआ है उसी समय तीर निकाला और जोर से हिरण को मारा, और जैसे हिरण को तीर लगा नीचे गिरा और मरते मरते बोला कि जिसने आश्रय दिया उसी के पत्ते काटोगे तो यही दशा होने वाली है, जिसने हमें शरण में लिया उसी के न हुए तो यही दशा होने वाली है। और वही वस्तु यहां पे हरिराय महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जिन प्रभु के चरणों का आश्रय अपन ने लिया और उनके होके जब अपन भटकते हैं तो जिसी भी देव के पास अपन जाएंगे तो वो देव सारे इकट्ठे होके अपन को क्या कहेंगे कि देखो ये जिसका होने का वचन देके जिसके चरणों में समर्पित होके उसका होके रह न पाया तो हमारा क्या होगा। मुझे एक वस्तु बताना, आपके घर में बचपन से कोई एक लड़का रह के काम करता हो और आप उसके ऊपर इतना भरोसा करते हो, इतना भरोसा करते हो और कहते हो कि देख तुझे आधी रात भी कोई काम पड़े तो मुझे कहना, मैं तेरे लिए वो काम करूंगा, तुझे कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे कहना, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। आप उसको इतना रखते हो, इतना रखते हो, इसका इतना ध्यान रखते हो, लेकिन जब उसे जरूरत पड़े और अड़ोस पड़ोसी के वहां मांगने जाने लगे तो आपको पता चले तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ के ना तो बोलो। जिसके लिए आप कहते हो तुझे आधी रात को भी कोई काम है तो मुझे कह, तेरी जो भी इच्छा हो मुझे कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, इतना आप उसका ध्यान रखते हो और फिर भी उसे जब काम पड़े और आपको छोड़ के वो आसपास कॉलोनी में मांगता फिर और ये वस्तु आपको पता चले तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना होगा। बोले क्यों होगा दुख, क्योंकि आपने इतना इतना उसके ऊपर भरोसा किया, आप कह रहे हो आधी रात को कुछ काम हो तो मेरे पास आ, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, और फिर भी आपको छोड़ के अन्य भटके तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे ये बताओ कि अपने जैसे सेवक क्या अपने प्रभु को अच्छे लगते होंगे, कि जिन प्रभु ने हमें कहा है कि तुझे कोई भी काम हो मैं तेरे कार्य साधूंगा, जब तू मेरी शरण में आया तो तू निश्चिंत, तेरी सारी चिंताएं मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, और इतना अभयदान जिन प्रभु ने अपन को दिया और उनका आश्रय छोड़ के अपन कहीं पे भी जाएंगे तो जिनके पास जाएंगे क्या वो हमारा भरोसा करेंगे, जिनके पास भी गए वो अपना भरोसा करने वाले नहीं है। बोले जिसके चरणों में समर्पित हुआ, जिसका होके रहने का वचन इसने दिया और उसका नहीं हो पाया तो हमारा क्या होगा। तो कहते हैं कि जब प्रभु का आश्रय छोड़ के अपन किसी भी जगह भटकते हैं तो हरिहर जी कहते हैं सभी देव इकट्ठे होते और कहते हैं ये कल तुम्हारे पास आया, बोले सोमवार को मेरे पास आया था, बोल मंगलवार को मेरे पास आया था, बुधवार को मेरे पास आया था, गुरुवार को मेरे पास आया था। बोले भटकता हुआ है यानी किसी का भी नहीं है, जब जरूर पड़ती है तो मेरे पास आता है, मुझसे काम नहीं होता तो उसके पास जाता है। तो बोले क्या करें, तो सभी देवों ने कहा जब आगे आवे तो अपनी मोजड़ी निकाल के ऐसे मुख पे मारेंगे कि उसके मुख पे ऐसे निशान पड़ जावे कि जब भी दर्पण में देखे तो पता चले कि जिसका हुआ उसके होके रह न पावे तो यही दशा होती है। और इसलिए कह दिया के वल्लभ वर को छाड़ी के और देव को धाय, तो देवता क्या कहते हैं, तामुक पनैया कूटिए जब लग कूटी जाए। ये बात देवों के मुख से श्री राय महाप्रभु जी ने कहलाई। तो सातवीं साखी का संक्षिप्त में दर्शन करके आठवीं साखी का अपन गान करेंगे कि जिसके अंदर श्री राय महाप्रभु जी अपन को कह रहे हैं वल्लभ वल्लभ रटत हो वल्लभ जीवन प्राण वल्लभ वल्लभ रटत हो वल्लभ जीवन प्राण वल्लभ कब हूँ ना बिसारी हो
पिता की आन श्री वल्लभ मात पिता की आन। जय हो। एक साथ बधाई गावा नु वल्लभ वल्लभ रट एक बार वल्लभ वल्लभ रटत हूं वल्लभ कब हूं ना बिसारियो वल्लभ कब हूं ना बिसारियो आगे मात पिता वल्लभ मात पिता की आन श्री वल्लभ मात पिता की आन श्री वल्लभ मात पिता की आन। और वो भटकता हुआ जीव को जब पता चले कि जिन वल्लभ के चरणों में मैंने आश्रय प्राप्त किया उनका हो के रह न सका तो जगत में मुझे कौन अपनाएगा, और तब जीव के नेत्र खुलते हैं और कहते हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो वल्लभ जीवन प्राण, वल्लभ वल्लभ रटत हो वल्लभ जीवन प्राण, श्री वल्लभ कब हूं न बिसारी हो मुहे मात पिता की आन। श्रेया जी कहते हैं कि जब जीव विचार करता है कि वल्लभ वल्लभ रटत हो क्योंकि वल्लभ ही मेरे जीवन प्राण है, मेरे प्राणों के रक्षक और मेरे जीवन के रक्षक दोनों श्री वल्लभ हैं। और देखो श्री वल्लभ जीव के ऊपर कृपा करें तो कैसे करें, बोले रक्षण भी करें, जीवों का वल्लभ रक्षण भी करें, पोषण भी करें, जतन भी करें और जैसे हैं वैसे निभावें। सबसे पहले क्या कहा, रक्षण करें, और रक्षण करें यानी क्या, उचित वस्तु दे के और अनुचित वस्तु ले के रक्षण करते हैं। देखो अपने मन में कृपा की धारणा क्या होती है, बस प्रभु देते रहें देते रहें देते रहें उसी को कृपा कहते हैं, ये अपने मन की धारणा होती है। लेकिन देखो रक्षण किसको कहते हैं कि उचित जो हो उसे देकर और अनुचित हो उसे लेकर भी प्रभु कृपा करते हैं। तो श्री वल्लभ अपने जीवों को भगवत सुखार्थ और भगवत सन्मुख हो सके ऐसी व्यक्ति ऐसे वस्तु और ऐसे संग दे के कृपा करते हैं, और जो भगवत सुखार्थ न हो ऐसी वस्तु को लेके भी कृपा करते हैं, तो वो है रक्षण। दूसरा होता है पोषण। क्या होता है, अब देखो पोषण अन्न से भी होता है और दवा से भी होता है। नित्य आप पोषण किससे प्राप्त करते हो, बोले भोजन करके, और वो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब रोग आ जाता है जब बुखार आता है तो अन्न काम नहीं आता, वहां क्या लेना पड़ता है, जरा जोर से बोलिए, दवा लेनी पड़ती है। लेकिन भोजन मिले तो सबको भाता है, लेकिन दवा लेनी पड़े तो अच्छा लगता फिर भी लेनी, बहुत बढ़िया। तो देखो भोजन तो अच्छा लगता है लेकिन दवा अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब जब स्वास्थ्य बिगड़े तब वो दवा से ही स्वस्थ होता है। तो जब मन को अनुकूल हो ऐसी व्यक्ति वस्तु और पदार्थ मिले तो मानो प्रभु भोजन दे के कृपा कर रहे हैं, और कभी अच्छा न लगता हो वैसी वस्तु भी करनी पड़े जो हमें समझ में नहीं आती पर है हमारे हित में, तब मानो के दवा दे के प्रभु कृपा कर रहे हैं, वो भी पोषण है। तो रक्षण भी करे, पोषण भी करे, जतन भी करे, और जतन भी करे यानी जैसे एक माँ अपने बालक का जतन करती है, चाहे घर के काम कर रही हो घर की प्रवृत्ति हो लेकिन उसकी दृष्टि उसका ध्यान तो छोटे से बालक में होता है कि नहीं, कि कहीं आगे ना निकल जाए, कहीं उसे कुछ लग ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, जैसे हजारों काम में परोई हुई माँ भी अपने बालक का जतन करती है वैसे गुरु भी अपने जीवों का, श्री वल्लभ भी अपने जीवों का जतन करते हैं। चाहे
कितने भी दूर अपन क्यों ना हो, लेकिन उनकी दृष्टि अपने पर होती है और जब जब भी समय आवे तब रोकते भी हैं और टोकते भी हैं। इसलिए कह दिया जतन विश्व वल्लभ करें और कहा जैसे हैं वैसे हमको निभावे। क्या किया? जैसे हैं वैसे। श्री वल्लभ ने कभी भी कहा कि ये करके आ, इतने जप करके आ, इतने तप करके आ तो तुझे अपनाऊंगा। अपन जैसे शरण में गए तो वल्लभ को हम जैसे हैं वैसे ही प्रिय हैं और जैसे हैं वैसे ही हमको अपनाया है, जैसे हैं वैसे निभाते भी हैं। इसलिए कह दिया कि रक्षण करे, पोषण करे, जतन करे, निभावे। श्री वल्लभ कैसे हैं? इसलिए तो गोसाई जी कहते हैं सर्वोत्तम है। और सर्वोत्तम है यानी सर्व में उत्तम, सर्वदा उत्तम और सर्वत्र उत्तम, उनको कहते हैं सर्वोत्तम। दुनिया में कई व्यक्ति सर्व में उत्तम होते हैं लेकिन सर्वदा उत्तम नहीं रहते। सर्वदा उत्तम होते हैं वो सर्वत्र उत्तम नहीं रहते, पर हमारे वल्लभ तो सर्व में उत्तम, सर्वदा उत्तम और सर्वत्र उत्तम। इसलिए कह दिया कि श्री वल्लभ कबहू ना बिसारी हो मोहि मात पिता की आन। ऐसे श्री वल्लभ, ऐसे श्री वल्लभ का शरण मुझे कभी भी विस्मरण न हो। सदा मैं वल्लभ के ही गुणगान गाता रहूं, सदा श्री वल्लभ के नाम का ही रटन करता रहूं। और इसलिए तो अपने वहां कहते हैं ना कि और कुछ हो के न हो हमें तो वल्लभ गुण गावा रे गावा। भगवती कहते हैं और भक्त वही कहते हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, वल्लभ जीवन प्राण। मेरे जीवन भी हैं तो वल्लभ, मेरे प्राण भी हैं तो श्री वल्लभ। और इसलिए तो वल्लभ गुण गावा रे गावा, जय हो कहे, पर हमारे तो वल्लभ गुण गावा रे गावा। अरे आवा अवसरिया क्यारे अवसर, अवसरिया क्यारे मरे आवारे, वल्लभ गुण गावा रे मोगेरा अवसर दियावे, मोगेरा अवसर दियावे। तिलक चौरासी माँ बड़ शोरे, तिलक चौरासी माँ बड़ शोरे। फरी फरी अवतार क्या दर्शोरे, फरी फरी अवतार क्या दर्शोरे। के सेवा स्मरण क्या रे कर शोरे, कर शोरे, कर शोरे। वल्लभ गुण गावा रे गावा रे, वल्लभ गुण गावा रे गावा रे। अवसरिया गुण गावा रे गावा रे, वल्लभ
बजा दे। श्री हरि राय नो था शेरे बिजु बद अवर जो जा शेरे बिजु
तो कह रही है वल्लभ गुण गावा रे गावा, क्योंकि वल्लभ वल्लभ रटत हो वल्लभ जीवन प्राण, और श्री वल्लभ कबहू न बिसारी हो मोहि मात पिता की आन। बोले कैसे श्री वल्लभ को छोड़ के मैं कहीं जाऊं तो भी सौगंध है मुझे मेरे माता पिता के, ऐसी अनुभूति श्री राय महाप्रभु जी जीव को करवा रहे हैं। और ये आठवीं साकी का दर्शन करके अपन आगे एक नौवीं साकी का दर्शन भी कर ले, क्योंकि एक एक साकी ऐसी है कि जिसके ऊपर सात सात दिन कम पड़े, और सात दिन है सौ साखी है, और ऐसे लगे जैसे किसी को एक चम्मच दी हो और कहा जाए कि इससे पूरा समुंदर खाली करना है, तो जैसे उसके लिए असंभव सा हो जावे वैसी ही अनुभूति मुझे भी हो रही है। इसलिए जितने साखी अधिक अपन कर पावे देखने का प्रयत्न अपन करेंगे। तो नौवीं साखी का दर्शन श्रीधाय महाप्रभु जी करा रहे हैं कि जब श्री वल्लभ के चरणों की अनुभूति हो जावे, वल्लभ के सानिध्य और सामिप्य की अनुभूति हो जावे, तब जीव के मन में क्या विचार आता है, ये बात नौवीं साखी के अंदर दर्शन कराते हुए हरिराय जी कह रहे हैं। चरण धरो मम श्री, जय हो, सभी गाएंगे एक संग। मैं इन चरणन छाड़ी हूं, आगे फिर से एक बार सभी की आवाज आनी चाहिए। मैं इन चरणन छाड़ी हूँ,
जो लो तन में श्वास है, जो लो तन में श्वास है, तो लो चरण धरो मम शीश श्री वल्लभ, चरण धरो मम शीश श्री वल्लभ, चरण धरो मम शीश श्री वल्लभ, चरण धरो मम शीश। हरे महाप्रभु जी नौवीं साखी का दर्शन कराते हुए कह रहे हैं कि मैं इन चरणन छाणी हूं, श्री वल्लभ वर व्रज ईश, जो लो तन में श्वास है तो लो चरण धरो मम शीश। मानो ये साकी का गान करते करते स्वयं सामने श्री वल्लभ पधारे हुए हैं, और वल्लभ पधारे हुए हैं, और ये वस्तु कोई नेत्र बंद करके नहीं, खुली आंखों से मैं इन चरणन, मानो दृष्टि करके अपन को बता रहे हो श्री वल्लभ के चरणारविंद पे कि मैं इन चरण न छाणी हूं, श्री वल्लभ वर व्रज ईश, जो लो तन में श्वास है तो लो चरण धरो मम शीश। मानो हरियाय महाप्रभु जी श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की ओर मानो संकेत करके अपन को बता रहे हैं कि मैं इन चरणों का आश्रय कभी ना छोड़ू, क्योंकि ये चरण और किसी के नहीं, श्री वल्लभ वर व्रज ईश, ये स्वयं वही व्रज ईश प्रभु के चरणारविंद हैं, कि जिनके चरणारविंद के लिए गोपियों ने कहा था प्रणत कामदम पद्मजार्जितम धरणी मंडनम धेय मापदी, ये वही चरणारविंद हैं कि जो प्रणाम करे प्रणाम करने मात्र से उसके दोषों का शमन हो जावे, ये वही चरणारविंद हैं कि चरणारविंद में जाने के बाद मन में कोई भी अलौकिक मनोरथ अपूर्ण नहीं रहता, ये वही चरणारविंद है। विपत्ति के समय ध्यान करने योग्य कोई हो तो यही तो चरण है, ये वही चरण है कि जिनके लिए गोपाल दास जी ने भी गाया था कि ते पद क्यारे देख शूंजे गोधन पूठे धाये, ये वही चरणारविंद है। और ये चरणारविंद वो हैं, कहते हैं कि जब भगवान व्रज छोड़ के मथुरा गए, गोपियों को रोता हुआ छोड़ के, सखाओं को गैयाओं को रोता हुआ छोड़ के जब मथुरा पधार गए, तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने बड़े बड़े विद्वानों ने प्रभु के ऊपर बड़े आक्षेप किए कि देखो तो सही भगवान ने प्रेम किया तो सही, पर भगवान को प्रेम निभाते नहीं आया, और इतने प्रेम करने वाली गोपियों को छोड़ के कोई कैसे जा सकता है, इतने प्रेम करने वाले मैया बाबा को छोड़ के प्रभु चले गए, कभी मिलने भी ना गए, अपने सखाओं को छोड़ दिया। अरे भगवान ने प्रेम किया तो किया, पर भगवान को प्रेम निभाना नहीं आया, एक बार भी मुड़ के नहीं देखा उनको, एक बार भी मिलने की इच्छा ना हुई। बड़े बड़े ज्ञानियों ने बड़े बड़े विद्वानों ने प्रभु के ऊपर बहुत आक्षेप किए, लेकिन जिस समय श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी को गोकुल के अंदर पधारते हुए देखा, मानो हमारे गोपाल दास जी नाच उठे और कहते हैं कि कौन कहता है कि मेरे प्रभु को उनके वजवासियों की याद नहीं आती, कौन कहता है कि जितनी फिकर ये गोपियां प्रभु की करती थी इतनी फिकर हमारे प्रभु को गोपियों की नहीं है, देखो जितना गोपियां प्रभु को याद करती हैं, जितने ये व्रजवासी प्रभु को याद करते हैं, हमारे प्रभु भी उनको इतने याद करते हैं। और जब श्री महाप्रभु जी को गोकुल में पधारते देखा, और हमारे गोपाल दास जी कहते हैं कि श्री गोकुल मां प्रगट पधार्या अने स्वजन कीधा सनाथ, देखो कृष्ण रूप से जो प्रभु गोकुल को छोड़ के गए थे, वज को छोड़ के गए थे, वही प्रभु श्री वल्लभ के रूप से पुनः अपने वज में प्रवेश कर रहे हैं, और जब उनको प्रवेश करते हुए देखा गोपाल दास जी नाच उठे, क्योंकि ये चरणारविंद वो कोई चरणारविंद नहीं है, ये वही चरणारविंद है कि श्री वल्लभ वर व्रज ईश। और ये वल्लभ के चरणारविंद कौन से हैं, आपने वहां कहते हैं ना कि श्री वल्लभ के चरणारविंद में अनेक चिन्ह हैं, चरण चिन्ह की भावना आती है, और उसमें ही एक चिन्ह है कमल का चिन्ह, और कहते हैं ये कमल कौन सा है कि जो श्री वल्लभ के चरणों में जाके समाया है। तुम्हारे भगवरी जन कहते हैं कि जब ठाकुर जी को श्री राधा जी का वियोग होता है,
और इतना विप्रयोग प्रभु को राधा जी का होता है कि प्रभु के नेत्रों से अश्रुधारा बहती है और प्रभु के रोम रोम से जब राधे 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 का ध्वनि गाजने लगता है, तब कहते हैं कि श्री महाप्रभु जी के चरणों में वो जो कमल का चिन्ह है, वो कमल खिल के हजार पंखड़ियों का बड़ा कमल बन जाता है। और जब प्रभु को श्री राधा जी का विप्रयोग होता है तो प्रभु आके इस कमल के मध्य में विराजमान हो जाते हैं और रोम रोम से राधा 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 ध्वनि हो रही है और इतना प्रगाढ़ वियोग प्रभु का है कि आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। और जब आंखों से अश्रुधारा बहती है और आंखों का काजल बहते बहते प्रभु के कपोल में आता है और राधा जी का इतना वियोग प्रभु को हो रहा है कि उंगली में वही काजल लेके प्रभु अपने हाथों से उस कमल की एक एक पंखड़ी में राधा जी का एक एक चित्र बनाते हैं और राधा जी का एक एक नाम लिखते हैं। और यूं करते करते उस हजार पंखड़ियों के अंदर एक एक राधा जी के चित्र अपने आंख के अश्रु और काजल से प्रभु ने सिद्ध किया। और हजार पंखड़ियों के ऊपर जब राधा जी के हजार नाम लिखे और जब अपने नेत्र ऊपर करके देखा तो क्या देखा, अभी तक तो एक राधा का वियोग था लेकिन अब तो सामने एक हजार स्वरूप राधा जी के हैं। और ये देख के हमारे प्रभु का वियोग एक हजार गुना बढ़ जाता है और राधे राधे कहते कहते प्रभु मूर्छित होके उसी कमल में गिर जावे और कहते ये वही वल्लभ के चरणों का कमल है कि जिस कमल को श्रीनाथ जी बाबा ने अपने श्रीहस्त में और जिस कमल को श्री यमुना जी ने अपने हस्त में धारण किया है। कहते हैं कि जैसे प्रभु के नाभि में से कमल, कमल में से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, वैसे ही वल्लभ के चरणों के अंदर रहे इस कमल से इस देवी सृष्टि का विस्तार हुआ। और इसलिए कहते हैं कि मैं इन चरण न छाड़ी हूं। और जब जब भी श्री वल्लभ के गुणगान अपन करते हैं और हमारे हृदय में वल्लभ पधारते हैं और उस समय एक एक श्वास जो अपन लेते हैं वल्लभ के गुणगान गाते गाते, क्योंकि वल्लभ के गुणगान जब जीव गावे तो वल्लभ आके हृदय में विराजमान हो जावे। और एक एक श्वास जब अपन लेते हैं तो वो श्वास ऐसे ही नहीं आती, वल्लभ के नाम के संग जो श्वासें आती हैं वो सांस पहले अंदर जाती है और वल्लभ के चरणों का जी जो रज है, क्योंकि वल्लभ के चरण कमल हैं तो उस पे लगी रज मानो कमल का मकरंद है और उस मकरंद को लेके जो श्वासें बाहर आती हैं, बाहर प्रकटती हैं, तभी तो वो वल्लभ की कृपा का अनुभव अपन को होता है। और कहते हैं कि वही कमल का अनुभव जब अपन को हो तो अपने हृदय के अंदर भी प्रभु के प्रति विप्रयोग का दान श्री वल्लभ करते हैं। इसलिए कह दिया कि मैं इन चरण न छाड़ी हूं श्री वल्लभ व्रज ईश, मैं इन चरणों को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वल्लभ और कोई नहीं, ये वही प्रभु है। और हमारे तो बड़े बड़े ज्ञानियां कहते हैं, विद्वान भगवती भी कहते हैं कि जितनी लीला प्रभु ने करी वो सारी लीला श्री महाप्रभु ने भी करी। जैसे भगवान ने सबसे पहले पूतना को मारा तो बोले श्री वल्लभ ने भी पूतना को मारा। बोले वल्लभ ने कौन से पूतना को मारा? बोले पूत यानी पवित्र और पूतना यानी जो अपवित्र हैं। और अपवित्र कौन थे? जो प्रभु से विमुख थे। और प्रभु से विमुख जीवों को ब्रह्म संबंध करवा के मानो पूतना का उद्धार किया। जैसे भगवान ने शकटासुर को मारा वैसे जो सेवा और सत्संग से दूर थे वो तो शुष्क काष्ठ की तरह थे और सेवा रस में डुबो के मानो काष्ठ का यानी शकट का उद्धार किया। जैसे भगवान ने वेणुनाद किया वैसे हमारे वल्लभ ने भी वेणुनाद किया, क्योंकि हमारे वल्लभ की वाणी वही उनका वेणुनाद है। ऐसी बंसी बाजी बन घन में व्याप रही धुन महामुनिन की समाज। जब कोई भी गांव के बाहर आप एकांत स्थान में विराजते और जैसे ही श्री महाप्रभु जी अपने वचनामृत करते तो वल्लभ का मुख मानो कमल और उससे झड़ते एक एक शब्द मानो कमल से झड़ता हुआ मकरंद है। और जैसे ही मकरंद की सुगंध आवे तो भ्रमरों को आमंत्रण देना नहीं पड़ता, वो तो खींचते हुए चले आते हैं। और वैसे ही श्री वल्लभ जब वचनामृत करें तो जहां जहां देवी जीव हैं बुलाना न पड़े, वो तो खींचते खींचते श्री वल्लभ के पास आ जावे, वही वल्लभ का वेणुनाद है। जैसे प्रभु ने रास किया वैसे रास के स्वरूप प्रभु ने प्रकट करे, जो जो लीलाएं प्रभु ने करी वो सारी लीलाएं श्री महाप्रभु ने करी। इसलिए कह दिया कि मैं इन चरण न छाड़ी हूं श्री वल्लभ वर व्रज ईश,
जो लो तन में श्वास है तो लो चरण धरो मम शीश। और इसलिए यही कामना करता हूं कि जब तक, और देखो श्री वल्लभ के चरणारविंद की बात आ रही है तो एक बधाई भी आज आपको देना चाहूंगा, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने चरणों से चल के पूरे भारत की परिक्रमा करी और जिन स्थानों में श्री महाप्रभु जी ने विराजमान होके श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया उसको अपने वहां क्या कहते हैं, बैठक जी। और ऐसे पूरे भारत के अंदर कितने बैठक जी विद्यमान हैं? 84। अब 84 बैठक अपन कहते हैं, 84 बैठक का स्मरण करते हैं, उनकी वार्ता बांसते हैं, उनका चरित्र बांसते हैं, पर क्या 84 के 84 बैठक जी आज 500 वर्ष के बाद भी क्या प्रकट हैं? आज पूरे विश्व के अंदर करोड़ों की संख्या में वैष्णव हैं, करोड़ों की संख्या में वैष्णव होने पर भी नए कितने भी स्थान प्रकट करे अच्छा है, कार्य होना चाहिए, लेकिन ये 84 बैठक जी ये अपना परिचय है, ये अपनी धरोहर है, ये अपनी पूंजी, ये अपना गौरव, ये अपना स्वाभिमान है। आज करोड़ों की संख्या में वैष्णव होने पर भी अपन अपने अप्रगट बैठक जी भी जो प्रकट न कर सके तो अपने लिए कितने बड़े शर्म की बात है। और यही पीड़ा मन के अंदर हुई कि आज इतने वर्ष 500 वर्ष हो जाने पर भी अपने महाप्रभु जी के आज करोड़ों वैष्णव होने पर भी अपन बैठक जी प्रकट न कर पाए तो अपने लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। और यही विचार करके सबसे पहले विचार किया कि दक्षिण भारत के ऐसे कई बैठक जी जो अप्रगट हैं, तो उसी संदर्भ में हमारा जाना हुआ सबसे पहले पंपा सरोवर, 46वें नंबर के बैठक जी, 46वें नंबर के बैठक जी पंपा सरोवर के, जहां शबरी की गुफा में आके भगवान राम ने उनको नवधा भक्ति का उपदेश किया था। आज वो पंपा सरोवर के जिसको दक्षिण भारत का मान सरोवर कहा जाता है, ऐसे स्थान पे 46वें नंबर के महाप्रभु जी के बैठक जी हम लोग ढूंढते ढूंढते वहां गए और ऐसा अद्भुत स्थान, उस समय तो वो आंध्र प्रदेश में था लेकिन आज वो स्थान कर्नाटक में, आपने हम्पी नाम सुना होगा, और ऐसी अद्भुत पत्थरों की नगरी है। जब पहली बार मैं गया देख के अचंभित हो गया कि ऐसे अद्भुत स्थान, त्रेता युग की भूमि, वहां हनुमान जी का प्रागट स्थान, वाली का किला, वहां सुग्रीव का किला, और ऐसा अद्भुत स्थान, लेकिन पूरा वो स्थान जो है वो वर्ल्ड यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर है, स्थान मिलना मुश्किल था। लेकिन वहां से ढूंढते ढूंढते जगह बात करी, ढूंढी जगह, मिली भी सही, वहां से फिर पास में ही तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी के तट पे आके मैं और दो तीन वैष्णव वहां पे खड़े हुए थे, तो बचानी कहां से अचानक एक गाय आई और हम खड़े हुए थे तो आके सीधा मेरी बाएं पकड़ी और मुझे खींचने लगी। मैंने कहा ये कहां खींच रही है, और खींचते हुए नदी के एक तट के पास मुझे ले गए और वहां मैं खड़ा हुआ, मैंने कि यहां क्यों लेके आई, और वहीं मेरे मोबाइल में उस समय किसी का व्हाट्सएप में मैसेज आया कि 39वें नंबर के विद्यानगर के महाप्रभु जी के बैठक जी जो तुंगभद्रा नदी के तट पे है। और वही मैसेज मेरे आया कि हम तो 46वें नंबर के बैठक जी के लिए निकले थे लेकिन 49वें नंबर के बैठक जी भी, और इतने महत्व के अपने वहां कि कृष्णदेव राय राजा ने जहां श्री महाप्रभु जी का कनकाभिषेक करवाया, जहां श्री महाप्रभु जी जगत गुरु पद को सुशोभित किया, जहां शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का स्थापन किया, ऐसा अपना मूल स्थान विद्यानगर, विजयनगर के बैठक जी भी आज अप्रगट है। वहां से मन में ताप हुआ कि कुछ भी करना है और वहां प्रयत्न किया और मुलाकात हमारी हुई उस समय 500 वर्ष पहले जो कृष्णदेव राय राजा ने महाप्रभु जी का कनकाभिषेक करवाया था, उनके ही 20वें वंशज वहां विराजमान है, उनसे भी मिलन हुआ, उन्होंने बहुत सहयोग किया। और आपको बधाई देते हुए आनंद हो रहा है कि वो 46वें नंबर और 49वें नंबर के बैठक जी की भूमि अपन ने संपादित कर ली है और गत 25 अप्रैल को दोनों बैठक जी का भूमि पूजन भी हो चुका है और वहां एक ऐसा अद्भुत और दिव्य स्थान अपन बनाने जा रहे हैं कि जहां पंपा सरोवर के बैठक जी, पास में ही विद्यानगर के ऐसे बैठक जी जहां महाप्रभु जी का कनकाभिषेक हुआ था। और मैंने तो वहां के राजा से वचन लिया है कि जिस समय वहां बैठक जी का पाठोत्सव होगा, जैसे 500 वर्ष पूर्व वहां पे राजा कृष्णदेव राय ने कनकाभिषेक किया, ऐसे वहां पाठोत्सव के समय एक ऐसा अभूतपूर्व कनकाभिषेक अपन वहां करेंगे जहां पूरे विश्व के विष्णु एक संग आके उस लीला का दर्शन करेंगे।
और वो स्थान ऐसा अद्भुत स्थान बन रहा है कि जिसके अंदर दोनों बैठक जी के संग संग वैष्णव के ठहरने की व्यवस्था, आचार्य कक्ष, उसके संग संग लाइट एंड साउंड शो, जिसमें जो भी यात्री आएंगे तो हम्पी का इतिहास, विद्यानगर का इतिहास और ये दोनों बैठक जी का चरित्र, नवधा भक्ति का उपदेश भगवान ने दिया उसका भी परिचय लाइट एंड साउंड शो से किया जाएगा। म्यूजिकल फाउंटेन जिसमें अष्टछाप की वाणी के द्वारा कैसे प्रभाव जल के ऊपर आता है वो दिखाया जाएगा। अनेक प्रकार के रिसर्च सेंटर वहां बनेंगे। तो ये अद्भुत कार्य और इसकी बधाई आज आप सबको दे के मुझे भी इतना आनंद आ रहा है, क्योंकि हम सब वैष्णव का एक स्वप्न के मूल 84 में से, अपन कोई अलग नया स्थान प्रकट नहीं, ये तो महाप्रभु जी के मूल 84, और मूल 84 बैठक जी का कार्य न केवल मेरा अपितु पूरे विश्व में बस रहे प्रत्येक वैष्णव का कर्तव्य है कि अपन सब मिलके उस कार्य को संपादित करें। और शीघ्र से शीघ्र कोई भी ऐसी बैठक जी न रहे कि जो अपने होते होते वो बैठक प्रकट न हो, तो अपन को लगे पुष्टि मार्ग के लिए अपन ने कुछ योगदान दिया। आज अपना गौरव, अपनी धरोहर ये 84 बैठक को अपने प्रकट करना है। तो ये बधाई भी आप सबको दूं कि जिन चरणों पे श्री महाप्रभु जी के चरण विराजमान हुए वो चरण रूपी बैठक जी अपन प्रकट करेंगे। और इस नौमी साकी के संग एक बार फिर अपन गान करेंगे। मैं इन चरण न छाड़ी हूं श्री वल्लभ ब्रज की, चरण धरो मम श्री श्रीवल्लभ, चरण धरो मम श्री श्रीवल्लभ, चरण धरो मम श्री। इसलिए तो शहराय जी कहते हैं कि मैं इन चरण न छाड़ी हूं, इन चरणों को मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता और इन चरणों से दूर जाना कभी नहीं चाहता। मैं इन चरण न छाड़ी हूं क्योंकि श्री वल्लभ वर व्रज ईश, ये वल्लभ और कोई नहीं, ये वही व्रजेश हैं, ये वही व्रज ईश हैं कि जिन्होंने भूतल में प्रागट्य लेके, कहते हैं ना कि श्री ठाकुर जी ने जब भूतल में प्रागट्य लिया और ठाकुर जी के 84 कार्य करने बाकी रह गए, और वो 84 बाकी रहे कार्य पूर्ण करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने प्रागट्य लिया। इसलिए कहते हैं कि श्री वल्लभ वर व्रज ईश, जो लो तन में श्वास है तो लो चरण धरो मम शीश। हे श्री वल्लभ, ऐसी कृपा करो कि जब तक इस देह के अंदर श्वास में लेता रहूं तब तक आपके चरणारविंद मेरे मस्तक पे रहें, और मस्तक पे चरण जब तक रहें तभी तक मैं सांस लूं, और चरण जब एक क्षण के लिए भी दूर जाएं उस समय मेरे देह से श्वास चली जाए। यही विनती शहराय महाप्रभु जी इस नौमी साखी में कर रहे हैं। तो नौमी साखी तक का दर्शन आज प्रथम दिन करके अपने सत्संग को यहाँ विराम देंगे 2 घड़ी के लिए भगवत नाम, और फिर यहाँ आरती होगी और आरती का लाभ लेके फिर अपन सब जाएंगे 1 मिनट के लिए। श्री वल्लभ विठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ, जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ, जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ, जय यमुना
धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी महारानी जी के बलिहारी बोली श्री वल्लभा श्री हरि राय महाप्रभु जी की जय श्री गोपाल लाल प्यारे की जय भारत का इतिहास बहुत पुराना है यह शुरुआत से कोई आम देश रहा ही नहीं और इसे ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है ऐसा ही एक शहर था हम्पी जो उस समय में दुनिया के प्रख्यात रोम से भी ज्यादा भव्य शहर था 500 साल पहले इस नगर में 5,00,000 लोग रहते थे यहाँ के खंडहर विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं 300 सालों तक इस शहर में आक्रमण करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई अब उसे वीरान इलाके की जमीन में दबे उस राजमहल की खोज हो रही है जो कभी दुनिया की शक्ति का केंद्र हुआ करता था हम्पी का इतिहास भी बहुत रोचक रहा है हम्पी एक प्राचीन शहर है जिसका रामायण काल में किष्किंधा के नाम से वर्णन है 14वीं सदी में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना जो दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था सन 1509 से 1529 के बीच यहां कृष्णदेव राय ने शासन किया जिसके दरबार में तेनालीराम थे अकबर बीरबल ही की भांति कृष्णदेव राय तेनालीराम की जोड़ी भी अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थी विजयनगर साम्राज्य के वैभवशाली समय में इटली ईरान पुर्तगाल से जो यात्री आए उन्होंने इसे दुनिया का सबसे ऐश्वर्यशाली नगर बताया था हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर के सामने खुले में डायमंड मार्केट लगता था जहां दुनिया के लोग हीरे खरीदने आते थे अपनी शक्तियों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता अतः स्वयं पर विश्वास करना सीखें मानवता के सबसे बड़े संगम प्रयागराज कुंभ में पहली बार 5-स्टार होटल फैसिलिटी से युक्त टेंट सिटी इंद्रप्रस्थम वैदिक ग्राम में आप पाएंगे परम आनंद के साथ आध्यात्मिक शांति और भारत की वैदिक विरासत का दिव्य अनुभव संगम के नजदीक टेंट सिटी इंद्रप्रस्थम में उपलब्ध है आलिशान डिलक्स लग्जरी और सूट के रूप में विशाल टेंट्स और विलास के साथ अन्य विश्व स्तरीय सेवाएं आज ही भव्यता और दिव्यता का संगम टेंट सिटी इंद्रप्रस्थम में बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें in San